नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, इधर आवाज क्लियर है? हाँ वर्चुअल, आप भी अनकंफर्टेबल बैठे हो, वहां बैठ जाओ ना। इधर जो अनकंफर्टेबल बैठा है वहां बैठ जाओ, सब इधर ही बैठना है। मैं वहां जाऊँ? थोड़ा आवाज दे दो भाई, आपको आवाज आ रहा है मेरा? आपको आवाज आ रहा है मेरा? ऑनलाइन जितने लोग हैं, सर इको हो रहा है, सर इको हो रहा है, इको हो रहा है। ओके 2 मिनट पहले आवाज सेटल कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इको आ रहा है, इको हो रहा है। इको हो रहा है। हेलो 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 हेलो, शांता भाई, हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सभी को? एक बार बताओ, आवाज आ रहा है क्या सभी को? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी इधर का आवाज बड़ा। अरे उधर जैक कहाँ है जो बढ़ाए जा रहा तू? हेलो हेलो, इधर आवाज क्लियर है? इधर आवाज क्लियर है? आवाज आ रहा है क्या? अरे ब्रो पहले रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ या नहीं? आए चल रहा है आयुष। अच्छा ये आवाज नहीं आया तो ये कैसे सुना है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे आ रहा है पर कम आ रहा है। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, ये बड़ा गया। हेलो हेलो, नहीं ये भी नहीं हो रहा। इधर का आवाज किधर है? कॉल लगा के पूछना उसको यार। आकर ये पहले साउंड चेक नहीं किया गया तूने? नहीं रोज सुबह आकर के पहले ये करने का ना, तो ये चेक नहीं किया गया भाई तूने? ओके, आवाज आ रहा है क्या? यहां पे भी आवाज आ रहा है? अरे इधर का वॉल्यूम बढ़ा ना, इधर का स्पीकर किधर है? अरे उधर कोई जैक ही नहीं डाला हुआ है, कहां से स्पीड आएगा? ये क्या जो निकाल के रखा हुआ है? उसका आउट किधर है?
अरे वो सिस्टम में है, फिर इधर का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा ना। हेलो हेलो, आवाज का है यहाँ पे? हेलो हेलो, अरे ये चीज पहले चेक करनी चाहिए ना यार रजनीश। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, इधर नहीं आ रहा, इधर का आवाज दो ना। ओके, साउंड के साथ पानी भर रहा है, ब्लर हो रहा है। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यहां पे नहीं आ रहा यार, मेरे हिसाब से ना एक इधर डाल, मेरे हिसाब से अभी परफेक्ट है, ऑनलाइन परफेक्ट है, अभी ऑनलाइन परफेक्ट है। यहां का आवाज बढ़ा दे, नहीं कुछ भी नहीं है वहां पे। ओके, अच्छा यहां पे बिल्कुल मैनेजेबल ही नहीं है क्या? आ रहा है अभी, एक मिनट, आ रहा है अभी, ऑनलाइन भी आ रहा है, ऑनलाइन होता है यार, बड़े बड़े क्लासों में छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती है। क्या तुम मेरी नकल उतार रहे हो? बहुत नालायक लोग हो तुम लोग। हेलो 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 हेलो, क्या है आयुषा? नहीं नहीं, वॉइस ब्लर हो रहा है वापस। हेलो 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 हेलो, अरे बहुत ज्यादा साउंड नहीं आ रहा है ऑनलाइन भी। हेलो 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 हेलो, अरे दर्शन सर नहीं दिख रहे हैं। हाँ एक बार बोल के आना यार। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, यस, यहाँ पे आवाज क्लियर हो गया। अच्छा, जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन है, प्लीज बताओ, आपको आवाज आ रहा है? जो ऑनलाइन है, प्लीज बताओ, आपको आवाज आ रहा है? यस, ऑनलाइन भी जो अब है, आपको भी आवाज आ रहे हैं? अभी सब क्लियर है? ठीक है, ओके है, परफेक्ट है। देख ले एक बार, सब ओके? अभी जीवन में इधर भी सब ओके है? जीवन में अभी परफेक्ट आवाज? आवाज अरे मैनेजेबल का काम नहीं है भाई, ओके वाला चाहिए। कब तक जीवन में हर चीज मैनेज करते रहेंगे? कुछ तो परफेक्ट हो। चलो जी, अब स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है। भाई कौन है भाई? गेट लगा दे यार। चलो जी, स्टार्ट करेंगे। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक मिनट एक मिनट, आ रहा है आ रहा है आ रहा है मेरे धन में, आ रहा है आ रहा है मेरे धन में। याद होगा तो इनकम के दो दो प्रकार थे, एक था ग्रॉस टोटल इनकम, दूसरा था टोटल इनकम। यस, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांचों हेड की इनकम को मिलाओ, क्लबिंग सेट ऑफ, क्या बन जाएगा? ग्रॉस। देन इसमें से क्या माइनस करो? क्या मिलेगा मालिक? यस, टोटल इनकम मिल जाएगा। हमें जो टैक्स पे करना होता है वो वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम, सही? यस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इनकम। अच्छा हाँ हाँ हाँ, फिर हमने टैक्स रेट पढ़ने चालू किए थे। रेट दो प्रकार के थे, नॉर्मल नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल रेट का लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंस एक्ट, स्पेशल रेट का लिखा हुआ है। फिर हम गए एक चार्ट बनाया, क्या तुम्हें याद है? पढ़ाई तो तुम करके आए नहीं होंगे, रिवाइज तो तुमने किया नहीं होगा, करा है तुमने? चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बॉस, इनकम अप टू 2 लाख कितना होगा बेटा? नील, 2,50,000 तक नील, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख अबाव, क्लियर है मालिक? इसके नीचे हम सबसे पहली चीज पढ़ने गए थे रिबेट। क्या पढ़ा था बेटा? रिबेट। रिबेट के लिए तीन कंडीशन है, असेसी मस्ट बी, ही शुड बी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिबेट इज इक्वल टू हायर ऑफ या लोअर ऑफ एक्चुअल और विच एवर इज, याद आ रहा है मालिक? यस, सो एक्चुअल और 12,500 विच एवर इज लोअर, ठीक है मालिक? अच्छा हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, टैक्स में तो सिर्फ टैक्स होता है, एचईसी नाम की थोड़ी ना कोई चीज होती है? होती है। अच्छा कितना? 4% होती है। अच्छा जी सर, अच्छा बिकॉज सरकार ने 4% लगाया है, पहले जब यू नो 2017 से पहले 3% हुआ करता था, जिसमें से 2% हायर एजुकेशन से हुआ करता था, 1% सेकेंडरी एजुकेशन से हुआ करता था। इसके बाद में ये हुआ 3%, इसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्थ सेस के नाम पे 1% ऐड किया, सो 2, 1 एंड 1 दैट बिकेम्स 4। हालांकि अब ये क्लासिफिकेशन उन्होंने हटा दिया 2, 1 एंड 1, और उन्होंने अब डायरेक्टली कर दिया 4। इज दैट डन? तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी बेटा,
हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, राउंड ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स। टोटल इनकम एंड टैक्स क्या होता है बेटा? राउंड ऑफ होता है। इन मल्टीपल ऑफ रुपीज, इन मल्टीपल ऑफ रुपीज, याद आ रहा है मालिक आपको? इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। लास्ट का फिगर के देखना है, लास्ट का फिगर इज अप टू, तो क्या लेंगे? अदरवाइज हायर साइड, याद आ रहा है मालिक? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जरा परसेंट की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, असेसी, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स डीम टू बी असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट, याद है? क्लबिंग प्रोविजन में इंक्लूड हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओए ओए, हाँ जी, एक सवाल आया मेरे पास, जिसका सवाल का जवाब मैं अभी दूंगा थोड़ी देर के अंदर में, बट आपने पूछ लिया है तो मैं बता दूं। किसी का अगर टोटल इनकम ही 5,01,000 आया तो उसका टैक्स पेबल पूरा का पूरा आ जाएगा विदाउट एनी रिबेट। मतलब टेक्निकली 1 रुपए भी उसने एक्स्ट्रा कमाया तो रफली, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 12,500 प्लस यू नो एचईसी समथिंग 13,050 रुपए शायद रफली टैक्स आ जाता है उसको। 1 रुपए भी एक्स्ट्रा कमाने पे 13,000 टैक्स आ जाता है उसको, राइट? डेफिनेटली राउंड ऑफ इस केस में जरूर वर्क करेगा, डेफिनेटली राउंड ऑफ इसमें जरूर वर्क करेगा। बट अगर मान लो 1,000 रुपए है तो ये लोअर साइड राउंड ऑफ होकर के टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही तो रिबेट मिल जाएगा। बट यही अगर 5,07,08 रुपए, क्योंकि जैसा कोई ना कोई पूछेगा, क्योंकि आपने 1 रुपए पूछा है तो किसी के मन में 6 रुपए भी आ जाएगा, तो ये अपर साइड होके 13,000 हो जाते हैं डेफिनेटली। यस, मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, ऐसा क्यों याद आ रहा है मेरे को? आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3.1 राउंड ऑफ से रिलेटेड था, है ना? राउंड ऑफ से रिलेटेड था, राइट? ओके, चलो इसका जवाब कितना आ रहा है मालिक? कितना आ रहा है मालिक? अच्छा लेट मी चेक। सबसे पहले मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 3.1 चेक कीजिए, जितने लोग बात कर रहे हैं प्लीज बंद कीजिए मालिक, इधर जितने लोग बात कर रहे हैं प्लीज बंद कीजिए। इज इट 433.80 ना? सो ये आएगा 482630, बराबर है? इसमें से क्या मैं मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करूंगा? इसमें से मैं मेरा बेसिक एग्जम्पशन माइनस करूंगा, दैट इज 2,50,000। इज इट 232630 मालिक बैलेंस? बैल कुछ नहीं होता, बैलेंस होता है, पोला कल गया। टैक्स एट द रेट ऑफ 11,632, आई थिंक तेरे मेरे बीच में अब एक ही चीज बाकी है, एच ई सी एट द रेट ऑफ 465। क्या ये टैक्स को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 120 इज इट 12100 एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। और भी कोई था? 5.2 था, ओके ये रहा 5.2। इसका आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, क्या मुझे इनकम अप टू 10 लाख तक का टैक्स तो आ ही गया होगा लाइफ में, 1,12,500। बैल कुछ नहीं होता, बैलेंस होता है, तो जितने लोगों ने बैल लगाया होगा प्लीज हटाइए उसको। इस पे टैक्स रेट अराउंड 30%, 32,34,210 इंटू 30%,
does this comes to 970263? Total 10,82,763. अब भी तेरे मेरे बीच कुछ बाकी है? वन वन कर दू, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? एक रुपए के लिए झगड़ोगे तो नहीं भाई से? डबल वन टू सिक्स जीरो सेवन फाइव ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो गई मेरे से लाइफ में? ठीक है, अब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं लाइफ में? ठीक है, वैसे 1082763 इंटू 4% 11 आया था, ठीक है। सो इज इट 1126070? आ गया सबका? बहुत हार्ड? और कोई होमवर्क था मालिक? विषय ओवर कर दूं? चलो। सो तीन नोट तक के तो हम बहुत सही चल गए, तीन नोट तक के तो हम बहुत सही चल गए। अब बढ़ते हैं आगे, तो दुनिया का गर्मी हो रहा है आज। अब बढ़ते हैं आगे, हमने कुछ लोग आज इस सेगमेंट में सही में बहुत बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरा, हाथ जोड़ के प्लीज मत कीजिए। 2,50,000 से 5 लाख वाला कैटेगरी कर लिया, 5 लाख से 10 लाख वाला कैटेगरी कर लिया, 10 लाख अबव कैटेगरी वाला कर लिया। यानी अब हमारे को दिमाग में बहुत क्लियर है लाइफ के अंदर में, 5 लाख तक के टैक्स 12,500 विल बी द शॉर्टकट, 10 लाख तक के टैक्स 1,12,500 विल बी द शॉर्टकट। यस, और इससे ऊपर कुछ भी गया 30%, सही? यस। आज हम सीखने जाएंगे मेरे बच्चे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। आज हम क्या सीखने जाएंगे? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब जरा बात समझिएगा, जैसे हमारे घर में कुछ लोग नॉर्मल होते हैं और कुछ लोग स्पेशल होते हैं, ठीक उसी तरीके से राइट इनकम टैक्स में भी कुछ ऐसी इनकम होती है जो रोज रोज नहीं आती। मेरी बात समझना, जो रोज रोज, और जो सिर्फ कभी कभी आती है वो स्पेशल होती है, जो सिर्फ कभी कभी आती है वो स्पेशल होती है। यस और नो? सो ऐसे केस के अंदर में, ऐसे केस के अंदर में हम लोगों को कुछ स्पेशल रेट्स दिए गए। काश मुझे याद होता है स्पेशल रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए हैं या इनकम टैक्स में दिए हैं। यस और नो? तो अच्छा, अभी जब मैं आपको ये स्पेशल रेट बताता रहूंगा, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताते रहूंगा, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। हाल फिलहाल में आपको ये वर्ड समझ आएंगे नहीं, ये होता क्या है ये भी नहीं समझ में आएगा, निकलता कैसे ये भी नहीं समझ में आएगा। Here the objective is to compute the tax, right? Rather than understanding the word how it arises. जैसे कि long term capital gain, long term capital gain under section 112, 20%. इसे हम प्यार से LTCG भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, पहले पूरा लिखने देना मेरे को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A बियॉन्ड रुपीज 1 लाख 10%। थर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%। फोर्थ, कैजुअल इनकम 30%, कैजुअल इनकम 30%। यस, ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 काय के लिए आता है? जब आप अपना कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं, मैं हाल फिलहाल में सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं सर, कैसे निकलता है, लॉन्ग कब होगा, शॉर्ट कब होगा, ये लॉन्ग या शॉर्ट कब होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये एक्चुअली पोहा पे डिपेंड करता है। काय पे डिपेंड करता है? कि लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, ये पोहा पे डिपेंड करता है।
लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, क्या ये प्राइस पर डिपेंड करेगा? नहीं। क्या ये साइज पर डिपेंड करेगा? नहीं। आपने उसे कितने देर होल्ड किया इस पर डिपेंड करेगा, ये लॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा। सर एक मिनट, आपको समझ रहा है आप क्या बोल रहा हूं? 100% आप गलत समझ रहे हो, ये सुनो ठीक है। मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं वहां जाओ, वहां नहीं जहां आप जा चुके हो। सुनो, लॉन्ग या शॉर्ट पोहा पे डिपेंड करता है। पूछो पोहा क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट, POHA, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। मम्मी ने बोला बेटा पोहा बनाओ, मम्मी पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट, मम्मी निकल घर से बाहर। सो पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट। प्रैक्टिकली कोई भी असेट जब आप सेल करते हैं, इसके ऊपर जो नेचर ऑफ गेन होता है, ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा, ये डिपेंड करता है आपने उस असेट को कितने दिन होल्ड किया है, आपने उस असेट को कितने दिन ओन करके रखा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अगर आप गोल्ड बेच देते हो, प्रॉपर्टी बेच देते हो, तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 112 के अंदर का, विच इज टैक्सेबल डायरेक्टली एट द रेट ऑफ 20%, विच इज टैक्सेबल डायरेक्टली एट द रेट ऑफ 20%। यस, जो स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम होती है, जनरली इन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। दीज इनकम आर डायरेक्टली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। राइट, लॉजिक समझिएगा। आप रोज घर बेचोगे, रोज गोल्ड बेचोगे, रोज अपने इन्वेस्टमेंट सेल करोगे? नहीं, ये कभी कभी होने वाली एक्टिविटी है। तो सरकार बोलती है बेटा तुझको मिला मुझको भी चाहिए, तेरे को अगर गेन मिला मुझको भी चाहिए, गेम ओवर। यस, कद्दू कटेगा है ना, किसी एक का तो फायदा होना नहीं चाहिए, सबका होना चाहिए। तो सरकार बोलती है देख भाई तेरे को गेन हुआ, मेरे को भी अननेचुरल गेन चाहिए, मेरे को भी सीधा सीधा बेनिफिट चाहिए, तो सरकार ने 20% लगाया। दूसरा, यही आप लिस्टेड शेयर्स बेचते हैं, क्या बेचते हैं? हाँ, यही आप शेयर्स बेचते हो, यूनिट्स बेचते हो, म्यूचुअल फंड बेचते हो, तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको जो लॉन्ग टर्म गेन अराइज होता है, दिस इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% बियॉन्ड ₹1,00,000, विच सिंपली मीन्स, मान लीजिए अगर आपको शेयर्स बेच करके 80,000 का प्रॉफिट आया, दिस इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। 90 आया, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। 99 आया, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। 1,01,000 आया, दैट 1,000 इज टैक्सेबल। 1,00,000 तक का बेनिफिट दिया गया है। सर मतलब शेयर ट्रेडिंग करके जो पैसा आता है उसमें 1,00,000 रुपए तक के कोई टैक्स? हाँ, नहीं देना होता। ये एक फायदा है जो आपको दिया गया है, समझ आ रही बात? सो ये एक फायदा है जो आपको दिया गया। सर मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का 2,50,000 अलग, ये और एक 1,00,000 रुपीज तक अलग? हाँ अलग। सो अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, 112A के अंदर में आ जाता है। राइट, ये शेयर्स के अलावा अदर देन कोई चीज बेच रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गई, ये 112 में आता है। ये क्लियर है? इससे डीप में आपको जाना ही नहीं है हाल फिलहाल में। राइट, यही अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, लेकिन ये शेयर्स आपने शॉर्ट टर्म होल्ड किए है। राइट, खरीदा 2 दिन बाद बेच दिया, खरीदा 1-1.5 महीने बाद बेच दिया, खरीदा 4-5 महीने बाद बेच दिया। यस, 12 मंथ्स के अंदर आपने कभी भी सेल कर दिया, तो हम इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। मतलब अगर आप शेयर्स 12 महीने से ऊपर नहीं होल्ड करते, तो हम ऐसे शेयर्स को क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म। बराबर है, 1 साल इनकम टैक्स में शॉर्ट टर्म माना जाता है। राइट, सो यही अगर आप शेयर्स सेल कर देते हैं और आपको कोई प्रॉफिट या गेन जनरेट होता है, दैट गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। सो तीनों के बीच में वापस एक बार डिफरेंस समझते हैं। मैं अगर लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड ऐसा कुछ बेच दू तो 112, मैं शेयर्स यूनिट्स बेचू तो 112A, अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो। यही अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो 111A। यस, याद रखें यहां पे 1,00,000 रुपए तक का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म शेयर्स के लिए है। ऐसा इसलिए किया भी गया है ताकि आपका जो स्टॉक मार्केट है वो क्या करता रहे, एक स्टैंडर्ड बना रहे। नहीं तो लोग आएंगे, ट्रेड करेंगे, निकल जाएंगे, तो मार्केट कभी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा है उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है। राइट, अच्छा सर मान लीजिए क्या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज नहीं होता? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैंने लैंड खरीदी, लैंड खरीद के 2 महीने में सेल कर दी, वो तो शॉर्ट टर्म हुआ, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ जो 111A में नहीं आता। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये स्लैब रेट में टैक्सेबल होता है। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये काय में टैक्सेबल होता है? स्लैब रेट, लिखेंगे हम नीचे उसको अभी। यस, इसके बाद आता है कैजुअल इनकम। इसके बाद आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब
ये आप जितने भी तरीकों से पैसा कमा रहे हो, लॉटरी, जुआ, सट्टा, हॉर्स रेस, यू नो गैम्बलिंग, बेटिंग, ड्रीम आईपीएल, केबीसी, स्प्लिट्स विला, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी तरीके से इनकम कमाई जा रही है ये सारी कैजुअल इनकम के अंदर में आ जाती है। लॉटरी, हॉर्स रेसेस, किसी भी तरीके की रेसेस, किसी भी तरीके के गेम शो, राइट, किसी भी तरीके की रेसेस, किसी भी तरीके की गेम शो, किसी भी तरीके की बैटिंग, ये सब कैजुअल इनकम में आती है। इनको कैजुअल इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैजुअल इनकम। ये इनकम 30% से टैक्सेबल होती है। सर इसका मतलब वो जो अमिताभ बच्चन जी यू नो ये ऐसा स्लाइड करके ये 1 करोड़ रुपए आ गए आपके अकाउंट में, वो सही नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। वो रिप्रेजेंटेशन होता है कि हाँ इतने रुपए आ गए, बट ऐसा नहीं होता है। आपको जो पैसा मिलता है, अगर कोई कौन बनेगा करोड़पति में टेक्निकली 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, राइट, तो 1 करोड़ नहीं है, उसको लगभग लगभग 30% तो जा रहा होगा टैक्स, प्लस 10% का लग रहा होगा सरचार्ज, प्लस 4% का लग रहा होगा सेस। पर वो टीडीएस काटते वक्त सिर्फ 30% का टीडीएस काटेंगे, मतलब लगभग 70% आपके अकाउंट में आता है वो, यानी 70 लाख इज द एक्चुअल अमाउंट विच गेट्स क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा जी, अच्छा जी। सर एक सवाल है, ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है, प्रथम सर बेटिंग तो इल्लीगल होती है ना? प्रथम लेक्चर नंबर 1 या 2 देख के आना बेटा, है ना? आपको कुछ कहना है प्रथम को? इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इल्लीगल, टीए कुरेशी जजमेंट, याद आ रहा है क्या मालिक? अच्छा जी, सो वापस एक बार प्लीज मेरे लिए, अगर मैंने लैंड बेची, गोल्ड बेचा, इन शॉर्ट अदर देन शेयर्स कुछ भी बेचा और ये लॉन्ग टर्म है, कितने में जाएगा? 20%। लॉन्ग कैसे आता है, उसको कैसे निकालते हैं, ये सबके लिए एक पूरा चैप्टर है कॉल्ड एज कैपिटल गेन, ठीक है? अभी हम सिर्फ इसका टैक्स रेट समझ रहे हैं। दूसरा, यही अगर मैंने शेयर्स बेच दिया और ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो 10% बियॉन्ड रुपीज 1 लाख। यस सर, डॉट 1 लाख हुआ, होता है किसी को डॉट पसंद? सर डॉट 1 लाख हुआ तो एग्जाम, 1 लाख के ऊपर 1 रुपए भी है तो दैट 1 रुपी विल बिकेम टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। सॉर्टेड है मालिक? यस। अच्छा जी, यही अगर मैंने शेयर्स सेल किए, शॉर्ट टर्म है, कितने पे जाएंगे? 15%। और कैजुअल इनकम आई तो 30%। कैजुअल इनकम का एग्जाम्पल बोलो बेटा, लॉटरी, गेम शो, यस, लॉटरी, गैम्बलिंग एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर में आ गई। यस, अच्छा जी, आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, जैसे इनके मन में एक सवाल आया, सर क्रिप्टो ट्रेडिंग किया तो, क्रिप्टो ट्रेडिंग किया तो, चलिए पहले आपको क्रिप्टो से रिलेटेड मन क्लियर कर देता हूं। पहले हाल फिलहाल के अंदर में इनकम टैक्स, सॉरी, इंडिया ने क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हालांकि क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्स इसी साल इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, मैं द अदर डे मैं आपको कह रहा था, राइट, बट इन्हें हम कैजुअल इनकम के अंदर में नहीं लाते, उन्हें लाएंगे भी तो पीजीबीपी के अंदर में लेके आएंगे या अदर सोर्सेज में लेके आएंगे, जिनके ऊपर टैक्स रेट सेपरेटली डिफाइन होने वाले है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाल फिलहाल में वो स्पेशल रेट के कैटेगरीज में नहीं है। यस मालिक? हाँ जी, नॉर्मल पीजीबीपी, यूट्यूबर की इनकम नॉर्मल पीजीबीपी। हाँ जी, बिल्कुल, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, 12 महीने से कम का जो कुछ भी है वो इधर आ जाएगा। हाँ जी सर, इसके आगे अभी बहुत कुछ समझना है आपको, जैसे अभी आप बोल रहे हो ये तो ट्रेड है, ये रेगुलर बेसिस पे है, नॉन रेगुलर बेसिस पे, मे भी आपके लिए रेगुलर है, मेरे लिए रेगुलर नहीं है, तो आप तो इसे पीजीबीपी में दिखाओगे, मैं तो इसे कैपिटल गेन में दिखाऊंगा ना, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे है जो अभी का ऑप्शन नहीं है, एक पूरा चैप्टर है कॉल्ड एज कैपिटल गेन, ये वहां का पॉइंट है। हाँ जी, अंडरस्टैंड, जिनको भी शेयर्स या इन सारी चीजों से रिलेटेड है, अगर ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी है, इट विल बी अ बिजनेस इनकम नॉर्मल स्लैब रेट। अगर ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, लैंड खरीदना बेचना, गोल्ड खरीदना बेचना, शेयर्स खरीदना बेचना, रेगुलर एक्टिविटी है, इट विल बी अ बिजनेस इनकम स्लैब रेट। रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर में ये चीज मेरे कैपिटल गेन के अंदर में आ जाएगी। सॉर्टेड है, जिस चीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं, इफ इट इज माई स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी, इफ इट इज नॉट माई स्टॉक इन ट्रेड देन इट विल बी कैप गेन्स। सॉर्टेड है मालिक?
हाँ जी, टीडीएस के लिए लिमिट है, टैक्सेबल वो 1 रुपए से है। आपने जो 10, मेरे भाई ने इंटरनेट पे शायद पढ़ रखा है कि उसके लिए 10,000 की लिमिट है। सेक्शन है सेक्शन 194B, अगर ये लॉटरी है, अदर देन हॉर्स रेसेस कोई भी कैजुअल इनकम है, 194BB अगर ये हॉर्स रेसेस की इनकम है, ये इनकम 10,000 रुपए के ऊपर गई तो जो पैसे दे रहा है वो टीडीएस काटेगा, लेकिन जिसको ये पैसा मिल रहा है उसके लिए वो 1 रुपए से टैक्सेबल है, राइट। दूसरा, यही इनकम अगर काइंड में हो गई तो, मान लो मैंने कोई गेम शो जीता रोडीज जिसके अंदर मेरे को कार मिल गई, अब 10,000 कैसे गिनोगे? टीडीएस नाम का एक चैप्टर है, वहां हम इसे डिस्कस करेंगे। पेशेंस रखिए, सिर्फ टैक्स रेट समझिए। आप पहले ही दिन इनकम कैसे आ रही वो समझना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये कैसे जनरेट हो रही है, अभी आपको ये समझना है कि इस पर टैक्स रेट क्या है। जी बच्चे, कैजुअल इनकम पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा क्या? अभी अभी मैंने कहा स्पेशल इनकम के ऊपर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता नहीं है। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा जी, और किसी का कुछ सवाल है मालिक? हाँ जी, हाँ जी, एक सवाल पूछा गया, सर अगर गेन होता है तो सर लॉस भी होगा, तो लॉस को कैसे क्या किया जाएगा? मैडम डिपेंड करता है कौन सी चीज से लॉस आ रहा है। मान लीजिए अगर लॉस आता भी है तो एक पूरा चैप्टर है कॉल्ड एज सेट ऑफ, वहां रूल्स लिखे हैं कौन सा लॉस किस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, कौन सा लॉस सेट ऑफ ही नहीं हो सकता। यस, तो वहां देखेंगे। इज इट डन? पूरा पूरा, आप जितना भी साल भर में बेचोगे वो सब, ठीक है। यहां पे एक और चीज लिख के रखिए MMR, ये अभी आपके समझ नहीं आएगा, लिख के रख दीजिए MMR। अरे ऊपर का भी नहीं लिखा आपने? ओ भाई बहुत बढ़िया। सर PGBP का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तुम लोग बेटा जो भी अचानक से लेक्चर देखने आए हो, प्लीज पहले के 4 दिन जरूर देख के आए। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसका पहला दिन है? ऐसा कोई नहीं ना? हाँ, टैक्स कैलकुलेशन से मंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का हुआ। सर मुझे कैसे पता चलेगा ये 112 है या 112A है? प्रॉब्लम में दिया रहेगा। सर कल क्लास है क्या? हाँ कल क्या है? तो क्या हुआ संडे पहला कहाँ आया? तुम बड़े हो गए हो, याद है तुम्हें? तुम खुद चाहते हो कि क्लास हो? कहो दिल से हाँ। अच्छा करोगे क्या संडे के दिन, ये बताओ? ओह माय गॉड, सोना है तुमको? कुछ कुछ लोगों को तो कपड़े धोने लाइफ में, नहीं सर बहुत कपड़े हो गए जीवन में सच में, मतलब अब तो कुछ भी नहीं बचे सर। ये बड़ा प्रॉब्लम लड़कों के साथ ज्यादा है थोड़ा, लड़कियों के साथ भी है। नहीं, मेरे को जहां तक समस्या है, लड़कियां थोड़ा सा हाइजीन में रहना पसंद करती है, लड़कों का हाइजीन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, मेरे बात समझना, ठीक है। हम लोग काफी फ्रेंडली लोग हैं, हम लोग कीटाणुओं के साथ भी अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। चलो डन है। अच्छा सुनिए सुनिए, ये MMR के नीचे ना मेरे को एक लाइन खाली चाहिए, वहां कुछ लिखाऊंगा फ्यूचर में, तो आप जब भी MMR लिख रहे हो, अच्छा इसके नीचे हैशटैग लगाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A इज टैक्सेबल एट
नॉर्मल स्लैब रेट, ऐसा एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111 ए में नहीं आ रहा, मतलब अदर देन शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, अपने लैंग्वेज में लिखने का मस्त, अदर देन शेयर्स वाला, शेयर्स वाला, फॉर एग्जाम्पल लैंड लेके 2 मंथ्स में सेल, अपनी लैंग्वेज में लिखने का, टेंशन नहीं लेने का, है ना। हम स्कूल का रजिस्टर नहीं बना रहे जो किसी को दिखाना पड़ेगा, पर्सनल नोट्स बना रहे। एनएफटी आपका रेगुलर एक्टिविटी है, पीजीबीपी नॉट रेगुलर एक्टिविटी है, कैपिटल गेन्स या अदर सोर्सेस, डिपेंड आपने कैसे होल्ड करके रखा है। अदर देन शेयर्स वाला, फॉर एग्जांपल लैंड लेके 2 मंथ में सेल किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल गेन सेक्शन 50C में देखेंगे कि मार्केट वैल्यू से आपने कम लिया तो भी इनकम टैक्स क्या लेगा, वैल्यू ज्यादा, वैल्यू कम थी आपने ज्यादा में लिया तो इनकम टैक्स क्या लेगा, आएगा 50C। इज दैट डन? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर। बॉन्ड 12 महीने से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बॉन्ड ज्यादा 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बॉन्ड्स के ऊपर ना, हाँ नॉर्मल आ सकता है ना, डिपेंड करता है वो कहां कवर हो रहा है। इज दैट डन? अंडरस्टैंड, मैंने आपको कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले क्या बोला था, आप लोगों ने शायद ध्यान से नहीं सुना, अभी आप कृपया इस पर दिमाग मत लगाइए कि ये लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, आप मेरे से सारे सवाल वही पूछे जा रहे हैं जो एक्चुअली 4 चैप्टर बाद के कॉन्सेप्ट है। इसका क्या होगा, एनएफटी का क्या होगा, क्रिप्टो का क्या होगा, बॉन्ड का क्या होगा, सिक्योरिटीज का क्या होगा, और मैंने आपको चालू करते वक्त ही पहला सवाल क्या बोला था, हाल फिलहाल में इस पॉइंट पे ध्यान मत दो कि अराइज कैसे होगा। अरे पूरा चैप्टर है जिसके ऊपर मोर देन 8 डेज हमको इन्वेस्ट करने होंगे, तब समझ में आएगा कौन सी चीज किधर आ रही है। आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इन शब्दों में अगर आ गया तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। बिलीव मी, अब तक आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूं, ये तो समझ में आ गया, इतना तो भरोसा कर ही रहे हो तुम मेरे पे जीवन में, करो ना फिर आराम से शांति से, अभी सिर्फ जितना बता रहा हूं आप उतना करो, राइट। ऑटोमेटिकली चीजें कैसे बनेगी, कहां से आएगी, कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूं। 9 चैप्टर बाद भी चैप्टर नंबर 1 पे आना पड़ेगा, 9th चैप्टर पे तुम्हें समझ में आएगा, हम चैप्टर नंबर 1 से आगे बढ़े ही नहीं, भरोसा तो रखो। तुम यहां पे अगर आए हो और तुम्हें किसी दोस्त ने इतने हक से कहा है तेरे को जो सब्जेक्ट जिधर लगाना उधर लगा, ये तो तेरे को इधर ही लगाना है, तो उसने कुछ तो सोच के बनाया होगा, बाकी सब्जेक्ट का उसने बोला होगा तेरे को जो करना है कर ले, ये तेरे को ये लगाना है, ये तो पक्की बात है कि नहीं है, समझ में आ रही है बात, भरोसा रखो मैं इधर है, यस टेंशन मत लो। हाँ चलो एक बार वापस से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर किस चीज के ऊपर आ रहा है, अदर देन शेयर्स के ऊपर आ रहा है, टैक्स रेट क्या है, यस अगर शेयर्स के ऊपर आ रहा है तो बियॉन्ड कितना परसेंट बेटा, 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला, 111 ए में नहीं आ रहा तो नॉर्मल स्लैब रेट में आ रहा है, कैजुअल इनकम MMR वो कैसे आया नहीं पता, उसके नीचे का एक लाइन खाली है, क्लियर है। चलो यहां तक के देखते हैं, एग्जांपल नंबर क्या होगा, 3rd, 4th, 5th क्या है, 6th, अगला 6 एग्जांपल पे पहुंच गए हम, ओ माय गॉड। चलिए सर फाउंडेशन लगाइए इस पे, एग्जांपल नंबर 6 तैयार हो मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 6 पहला प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, सिर्फ समझ लेना कैसे सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे प्रॉब्लम से हम एप्लीकेशन चालू करेंगे, ठीक है मालिक। पीजीबीपी बिजनेस इनकम बेटा 8 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 3 लाख,
कैजुअल इनकम 4 लाख बीइंग लॉटरी एचपी कंप्यूटेड, एचपी बोले तो टोटल इनकम सेवेंटीन लाख एटी थाउजेंड, बराबर है। स्पेशल रेट्स, बराबर है। अब सबसे पहले जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, अब मैं आपकी लेवल थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूं, अगले 5 मिनट पेपर और पेन आपको नहीं चाहिए, सिर्फ फोकस चाहिए, ठीक है। जब भी आप देखो ऊपर से नीचे तक देखना प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम में देख करके आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि कुछ इनकम नॉर्मल है और कुछ इनकम स्पेशल है। क्या आप इस पूरी लिस्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं स्पेशल कौन कौन सी है? एक बात समझिए, जो स्पेशल की लिस्ट में नहीं आया वो बाय डिफॉल्ट में नॉर्मल में चले जाएगा, ये सॉर्टेड है क्या मालिक? जो स्पेशल की लिस्ट में नहीं आया वो बाय डिफॉल्ट में नॉर्मल इनकम है। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, सैलरी हो सकता है, एचपी हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो स्पेशल की कैटेगरी में नहीं हुआ सब नॉर्मल है। यस, हाँ जी बोलो, क्या क्या स्पेशल दिख रहा है यहाँ पे? एक तो 3 लाख रुपए स्पेशल दिख रहा है, एक कैजुअल स्पेशल दिख रहा है, एचपी स्पेशल में था, पीजीबीपी स्पेशल में था, तो ये इनकम और ये इनकम कहां जाएगी? सॉर्टेड है। अब बताइए, हमारे घर पे जब मेहमान आते हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों में से आप जो भी अपनाना चाहे ये आपका ऑप्शन है, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, राइट। और दोनों में से आप जो अपनाना चाहे वो इजी तरीका है, दोनों भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया टैक्स कैलकुलेशन को लेकर के कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। यस, अच्छा, भारत के अंदर में कोई दूसरा टीचर को दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर सकता है क्या? कर सकता है, सब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, राइट, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ द पॉइंट इज सर, हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है उनके लिए समोसे कचोरियां आती है, भुजिया आता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, इधर जरा सोच के देखो, हमारी भी बहुत इच्छा होती है, मम्मी बोलती है हाथ नहीं लगाना बेटा, एक बार उनका हो जान दे फिर अपने को मिलेगा, और अपन वेट करते रहते, जाना जाना, बहुत भूख लग रही भाई जा। पर सबसे पहले नाश्ता आपको मिलता है या स्पेशल लोगों को मिलता है? तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि हमारे घर पे कुछ स्पेशल लोग आए हैं, सबसे पहले उनके लिए टैक्स निकालना होगा, ठीक है, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल पेन को। आपके लिए ऑप्शन वन, सबसे पहले ऑप्शन वन, सबसे पहले नॉर्मल और स्पेशल लोगों को अलग अलग कर दो। ये आया स्पेशल टैक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आया स्पेशल टैक्स। जिनको भी शक था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता कि नहीं, कैसा होता कि नहीं, सबर इधर देखो, अभी मिल समझ में आ जाएगा। जो स्पेशल है, सरकार बोलेगी ये तुझे रोज रोज मिला, तो मुझे भी रोज रोज नहीं मिलना, मुझे भी रोज रोज नहीं मिला, तुझे बेनिफिट हुआ मुझे भी चाहिए, तुझको मिला मुझको भी चाहिए, ला दे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, प्रॉब्लम में हमेशा लिखा रहेगा ये कौन सा है, और कुछ दिनों बाद आप समझना सीख जाओगे कि 112 में क्या डालना, 112 ई में क्या डालना, बहुत सॉर्टेड है। अब कितने रुपए था बेटा? 3 लाख्स, 3 लाख्स पे डायरेक्टली टैक्स रेट याद नहीं आ रहा भाई मेरे को कुछ, सो पर्टिकुलर्स रुपीज टैक्स 3 लाख इंटू 20% इज इट 60,000? सर आपने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं दिया। रुक बहन सुन, जो स्पेशल इनकम होती है इनको जनरली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, जो स्पेशल इनकम होती है उसको जनरली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट, जो स्पेशल इनकम होती है उसको जनरली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट, जो स्पेशल इनकम होती है उसको जनरली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट। ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया बेटा? कैजुअल इनकम, बोलो कितना रुपए था? वॉज इट 4 लाख? कितना परसेंट है टैक्स रेट? सो 4 × 3 = 1,20,000, ये आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो गया 1,80,000। ये स्पेशल ही है, आपने एक्स्ट्रा कमाया, सरकार ने भी आपसे एक्स्ट्रा लिया, सरकार बोल रही है तुझको मिला मुझको भी चाहिए,
सिंपल है। जो इनकम स्पेशल में नहीं आती वो सब कहां जाती है? नॉर्मल। नॉर्मल को जोड़ लो, 1,08,00,000 प्लस 2,80,000, बताओ टोटल कितना हुआ? 10,80,000। एवरीबॉडी यस और नो? अब इस पे आप जैसे टैक्स निकालते आए हो बिल्कुल वैसे निकाल लो। कहां तक का टैक्स आपको पता है? अप टू 10,00,000। क्या आपने इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी कवर कर लिया? हाँ या हाँ? आप इस पे जैसे टैक्स निकालते आए हो वैसे टैक्स निकाल लो। हो गया आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी मिल गया क्या? जिसको नहीं समझा, हमने 10,00,000 में बेसिक एग्जम्पशन कैसे किया? जिसको नहीं समझा हमने 10,00,000 में बेसिक एग्जम्पशन कैसे किया, तो इधर देख बेटा, अप टू 2.5 लाख मिल रहा होगा। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना परसेंट रहा होगा? 5%, ये हो गया 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना परसेंट रहा होगा? 20%, ये कितना हुआ बेटा? यानी 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5, 10,00,000 तक के टैक्स तेरा कितना है अब? 1,12,500 इवन आफ्टर गिविंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब जिनको तकलीफ थी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों नहीं दे रहे, स्पेशल से जनरली नहीं देते, कहां से देते हैं? नॉर्मल से। समझ आया बात? अच्छा, बैलेंस कितना बचा बेटा? 80,000। एवरीबॉडी अब बताओ इस पर टैक्स रेट कितना है? नॉर्मल का टैक्स आप जैसे निकालते हो 8,324। एवरीबॉडी सो इधर का टोटल कितना हुआ? 1,36,500। अरे रुक सर, आपने एचईसी तो लगाया ही नहीं। एचईसी टोटल टैक्स पे लगता है ना, एचईसी। तो अब मुझे इनको जोड़ना होगा, एक बर्तन से एक चीज निकालो, दूसरे बर्तन से एक चीज निकालो, एक बर्तन में डाल दो, मुझे क्या करना होगा? टोटल टैक्स, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, तो ए प्लस बी कर दो, टोटल कितना हुआ? इज इट 3,16,500? ए भाई अब भी कुछ बाकी, एक मिनट, रिबेट मिलेगा? पक्का तुम बोल रहे हो इसलिए? पर अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? एट द रेट ऑफ 3,20,000। समझ में आया क्या? एक मिनट, कैसे समझ में आया बोलो, एक बार वापस एक्सप्लेन करो। हाँ ना, इधर देखो, हाथ नहीं लगाने का बुक को, इधर देखो, अपन इधर है ना, कॉपी करने नहीं आए हैं। समझ में आ रहा है क्या बात? कॉपी करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझना ऑब्जेक्टिव है ब्रो। सबसे पहले मैंने टोटल इनकम देखी, टोटल इनकम को ऐसा घूर के देखा ऊपर से नीचे तक, तब समझ में आया यहां दो इनकम ऐसी है जो स्पेशल रेट में आ रही है। हमने स्पेशल रेट ऑलरेडी लिख लिए, ठीक है? अच्छा जी, दो इनकम स्पेशल रेट में आ रही है। ऑप्शन वन इसी चीज को सॉल्व करने का, दो दो बॉक्स बना लिए, स्पेशल को अलग कर दिया, नॉर्मल को अलग कर दिया। सबसे पहले स्पेशल सॉल्व करने चले गए। स्पेशल में हमने कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं दिया, डायरेक्टली इनकम एट देयर रेट। सर आपने 20% कहां से लाया? लिखा है स्पेशल रेट में, वो इनकम टैक्स ने दिए हुए रेट है। सो स्पेशल इनकम है 20% डायरेक्टली, कैजुअल इनकम पे 30% डायरेक्टली, टोटल टैक्स निकल गया। यहां हमने कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं दिया क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे जनरली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट। फिर जो इनकम स्पेशल में नहीं आती वो सारी इनकम को ऐसा मिलाया, जोड़ा और एक कर दिया। इसमें से हम जैसे नॉर्मल तरीके से कल तक के टैक्स निकालते आ रहे थे वही कर रहे हैं। ये बिल्कुल 10,00,000 तक का टैक्स 1,12,500, बैलेंस पे 30% टोटल। अब इसको पकड़ा नॉर्मल, इसको पकड़ा स्पेशल, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला करके क्या आया? टोटल टैक्स। रिबेट नहीं दिया, डायरेक्टली क्या लगाया? एचईसी। आया ध्यान में की दुकान में? यस। अब आपके हवाले, समझ करके लिखो आराम से, जल्दी नहीं है। स्पेशल रेट टैक्स के रेट सरकार है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, नॉर्मल स्पेशल ट्राई करो खुद से, जब सॉल्व भी कर रहे हो खुद से ट्राई करो।
ट्राई करो, गलती हो सकती, अच्छे से लिखो, हमें कोई जल्दी नहीं है, कल आराम से 5-6 घंटे में भी करेंगे अपन। एडजस्टमेंट नंबर 5 जो अब तक हमने नहीं पढ़ा, फोर्थ वाज स्पेशल रेट, फिफ्थ वाज स्पेशल एडजस्टमेंट। सब्र रखो, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है, पर इस बात की गारंटी है इसके बाद तुम सीए से भी बढ़ जाओगे इन कॉन्सेप्ट्स पे, गारंटी है बिल्कुल, पेपर पे लिख के कि ऐसा ही होगा। कर लिया मेरा बच्चा? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, प्लीज टेक योर ऑन टाइम, अपने पास कल का भी बहुत है। मेरे को तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा बताओ, मस्त है ना वीडियो कॉल करने का? नहीं, इंस्टा लाइव करेंगे अपन, नहीं एक दूसरे के साथ। स्नैपचैट पे लाइव होता है? नहीं होता ना, इंस्टा पे आई गेस होता है, इंस्टा पे तो होता है, मैं हर संडे लेता हूं। प्रभु जी डन है? कोई बात नहीं, आराम से लिखो। तुम लोग जानबूझ के तो लेट नहीं लिख रहे ना? नालायक लड़की, एग्जाम्पल नंबर 6.1, ठीक है, पबजी, अच्छा एक मिनट, यही चीज को ऑप्शन 2 में भी कर देते हैं, इसी चीज को करने का एक और तरीका, ऑप्शन 2 ये आप साथ साथ में लिख सकते हो। अब देखो ऑप्शन 2 में कुछ भी अलग नहीं है, हम बैलेंस शीट को कितने प्रकार से बना सकते थे, दो, एक है टी फॉर्मेट, एक है वर्टिकल फॉर्मेट। अब यही चीज को आप वर्टिकल फॉर्मेट में डाल दो, ए ऊपर लिख दो, बी नीचे लिख दो और टोटल कर दो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, सी प्रेजेंटेशन का तरीका है, मेरा जिम्मेदारी है आपको दोनों बताओ, आंसर वही आने वाला है कोई भी टेक्निक से कर लो, पर मेरा जिम्मेदारी आपको दोनों बताने का। आप सबसे पहले क्या कर लो, ए में स्पेशल को डाल दो, ध्यान से सुनना, ए में स्पेशल को डाल दो, पर्टिकुलर्स, इसी को कर, इसी के प्रेजेंटेशन का एक और तरीका है मालिक, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, व्हाट वाज द अमाउंट, 3 lakh इंटू 20%, दैट कम्स टू 60,000 rupees, यस। कैजुअल इनकम 4 lakh इंटू 30%, दैट कम्स टू 80,000 rupees, नाउ सॉरी 1 lakh 20,000 rupees, सो टोटल ब्रैकेट में ए 1 lakh 80,000 rupees। यहीं पे आप बी लेके आओ, नॉर्मल, व्हाट इज योर टोटल इनकम, 10 lakh 80,000, टैक्स ऑन इनकम अप टू 10 lakh, बैल कुछ नहीं होता, बैलेंस होता है, बंद करो ये हरकतें, टोटल ऑफ बी आ सकता है क्या, इज इट 136,500? अब नीचे ला लो टोटल टैक्स ए प्लस बी, आपको नहीं लग रहा आप कर तो वही रहे हो, सिर्फ
फॉर्मेट बदल रहे हो, इंस्टीट्यूट भी यही करता है। सर दोनों में से आपको कौन सा फॉर्मेट समझ आया, वन या टू? मैं क्या बोल रहा हूं, काहे झगड़ रहे हो, जिसको जो करना है कर लो, झगड़ने का कोई मैटर ही नहीं है। हाँ पर मैं आपको जरूर कहूंगा एग्जाम में वन आपके लिए ज्यादा सेंसिबल रहेगा। रीजन नहीं, जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसका साइज कुछ इतना होता है, ठीक है? आप अगर ऊपर से नीचे तक कैलकुलेशन करने गए तो फिर ये बहुत लंबा चले जाएगा पेपर, और फिर सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट आएगा। सर मस्त है ना, सप्लीमेंट मांगेंगे, आधे लोगों को टेंशन देंगे। लिखने में बहुत टाइम पास होता है, और मान लो पहले पेज का कैलकुलेशन दूसरे पेज का आप टोटल करना भूल गए तो इसमें गलती होने के चांसेस है। फॉर्मेट में कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर वही आना है, बट इसमें गलती होने के चांसेस है। रादर पेज पे अगर आपने इस तरह से दो अलग अलग दिखा दिया तो एग्जामिनर को भी क्लियर कट समझ में आता कि भैया इसने सारी चीजों को सेपरेट रखा है। यस चलिए बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हो, पर ये तो मैंने सॉल्व किया, आपने थोड़ी। एग्जाम्पल नंबर 6.1 पीजीबीपी 14 लाख, एचपी ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड 6 लाख, डिविडेंट 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2 लाख, लॉटरी विनिंग 3 लाख, हॉर्स रेस विनिंग 1 लाख, टोटल 30 कर लिए इस आदमी ने, 27 लाख। एक और वर्चुअल उधर चल रहा है, चलो जी फॉर्मेट आप जो चूज करो वो आंसर सही आना चाहिए, बस ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। श्रेया पूछ रही हो हॉर्स रेस किधर जाएगा, श्रेया कैसी बातें कर रही हो, नॉर्मल नॉर्मल हॉर्स रेस विनिंग। सर डिविडेंड कहां जाएगा, मेरे को नहीं मालूम, कर लो, गलत होगा होगा, कुछ तो करो।
स्पून फीडिंग थोड़ी ना करूंगा, किसी भी तरह की गैम्बलिंग बेटिंग कैजुअल में आएगी, किसी भी तरह की गैम्बलिंग और बेटिंग। वैसे भी स्पेशल में राउंडिंग ऑफ का क्या लॉजिक है, टोटल टैक्स राउंड ऑफ होता है ना, सब सेम। सर कैजुअल इनकम का सेक्शन 115BB, तो एक जवाब मेरे पास आ चुका है 6,26,600, एक जवाब। फोर लाख, हाँ कितना, 4 लाख, फोर लाख 42,800, दूसरा जवाब। ये आ गया दूसरा जवाब, ये दो जवाब आ गए, इसके अलावा कुछ है तो बोलो। 442,500, जी हाँ बढ़ चढ़ के बोली लगाइए, 4,42,500, बहुत शानदार बेटा। गलत जवाब सारे एक्सेप्टेड है, देते जाओ। 400, 400, क्या बात है बेटा, 400, 400, बहुत बढ़िया बेटा। 647,400, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी 611,000, बहुत बढ़िया बेटा। 598,520, बहुत बढ़िया बेटा। 595,400, बहुत बढ़िया बेटा। 9,07,400, क्या बोली लगाई है, 9,07,400, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जितने लिखे हैं उसके अलावा कुछ है तो बताइए, नायाब बताइए साहब। ₹1,01,00,000 बेटा, तूने ये कोर्स छोड़ देना चाहिए, पहली फुर्सत में ये कोर्स तूने छोड़ना चाहिए, पहली फुर्सत में, किसी से पूछना भी नहीं, छोड़ू क्या, डायरेक्ट छोड़ देना, इनकम से ऊपर का टैक्स निकाल रहे झंडू। कौन सा माल फूक के बेटा भाई, कभी हर्ष तूने ऐसा देखा क्या, बच्चा बाप से बड़ा है, हालत नहीं होगी क्या यार जीवन में। सर मजाक कर रहा हूं, घर पे कर भाई, गलत जगह मत कर, बैक बेंचर हूं तो। भैया मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है 6 लाख, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूं, मैं देखूंगा, और जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया रिक्वेस्ट है प्लीज बात कम करें, प्लीज सर प्लीज। मेरे राइट में जितने लोग बात कर रहे हैं, मैंने दो कैटेगरी बनानी, नॉर्मल को कह दिया ए, स्पेशल को कह दिया बी, कोई तकलीफ आपको, ऐसा ऊपर से नीचे तक देखा तो समझ आया 1, 2, 3 स्पेशल इनकम है एवरीबॉडी, राइट। मेरे को फिगर्स के साथ हेल्प कीजिएगा साहब, पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, इज इट
2 lakhs into 20%, इज इट 40,000 ब्रो? फिर आएगा लॉटरी, 3 lakhs into 31, इज इट 90,000? हॉर्स रेस विनिंग, 1 lakh into 30%, इज इट 30,000 ब्रो? चलिए एक पार्ट एंड पार्सल निकल गया, यहां तक के उम्मीद करता हूं आपका सब कुछ सही आया होगा। यस, हॉर्स रेस विनिंग गैम्बलिंग है साहब, आप इसे नॉर्मल में डाल ही नहीं सकते, गैम्बलिंग है। बाकी सब उठाओ नॉर्मल में डाल दो, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 1 21, सो मेरा टोटल इनकम रुपीस टैक्स, टोटल इनकम आया 21 लाख। इसमें से इनकम अप टू 10 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स आएगा 1,12,500। हम कॉमन अजम्पशन ले रहे हैं, एसएससी इज इंडिविजुअल ही इज रेसिडेंट, वो चलते जा रहा है, उसमें हम छेड़खानी नहीं कर रहे। 21 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया, इज इट 11 लाख? इस 11 लाख के ऊपर टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 3,30,000, दोनों को जोड़ दो 4,42,500। क्या हमारा ए भी निकल गया? अब मैं क्या करूंगा, टोटल टैक्स ए प्लस बी 6,02,500। अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, 24,000, 6,26,600। एक मिनट, क्या क्या जवाब आए थे? 595, 5985, 611000, 64 something, 400, 442, 500, 442, 800, 9,07,400। इधर देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट, 1 out of 9, दिस इज योर आईसीएआई रिजल्ट। इस बार ना, इस बार कितना परसेंट रिजल्ट था? 5% रिजल्ट था। ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, समझ आ रही है बात? ये आपके सामने है। ऐसा 100% जब तक के फोकस नहीं आएगा ना, तब तक के काम नहीं होगा, समझ आ रही है बात? 100% फोकस लाना होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का करेक्ट आ गया होगा, वेरी गुड, यू जस्ट नीड मोर प्रैक्टिस कि आप टाइम कम कर सको। जिसको समझ में आ गया ना, इसने एक ही चीज पे फोकस करना, प्रेजेंटेशन, और मैं कैसे और इसको टाइम कम करूं। आपका आपका ऑब्जेक्टिव है टाइम कम। जिसका एक भी गलती हुई होगी, एक भी, अगेन क्या लगेगा? एक और प्रॉब्लम, प्रैक्टिस, अगेन क्या लगेगा? प्रैक्टिस। लेकिन बहुत सारे लोगों का गलत आया है, तो आपको नहीं लगता एक और प्रॉब्लम लेना चाहिए हमने? है ना, तुम इतना फोर्स कर रहे हो इसलिए, हाँ, नहीं तो मैं नहीं लेता एक्स्ट्रा। जी बच्चे, जी बच्चे, ओके, मैंने कहा डिविडेंड 1 लाख तक के एग्जाम होगा, क्या मैंने ये कहा? ना बच्चे ना, हाँ जी, एक मिनट, एक सवाल रिप्लाई कर दूं, आ ही रहा हूं आपके पास बच्चे। कैपिटल गेन, शेयर बेचने पे जो गेन आएगा वो 1 लाख तक एग्जम्प्ट है, डिविडेंड नहीं। दूसरा बेटा, हमने स्पेशल में डिविडेंड लिखा है बच्चे, जो चीज वहां लिखी नहीं वो नॉर्मल में डाल दो। हाँ जी, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यो, एक गलती अटेम्प्ट लगा देती है, नहीं? चलो फिर एक अटेम्प्ट लेंगे हम, इस बार रैंक लाना है बाली 6.2।
अब तक मैंने सिर्फ 6 एग्जाम्पल लिए आपके. आई एम जस्ट वर्किंग लाइक इनकम टैक्स 298 सेक्शंस. कभी किसी ने पूछे सर ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व करा, बोला 6 जस्ट 6 है ना. ले देखे अभी तक के रजिस्टर के 5-6 पेज ही भरे होंगे. आप समझ रहे हो ना, हम चैप्टर नंबर 1 के भी हाफ पे हैं. हाफ पे हम लोग. अरे बेटा पीजीबीपी बिजनेस इनकम, ओए बिजनेस इनकम आ जाए मेरे बच्चा 11 लाख. चलो स्पीड चाहिए अब मेरे को. दूसरा डिविडेंड इनकम 4 लाख. एचपी ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड. सर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए, ठीक है. उसके बाद में लॉटरी इनकम 3 लाख. उसके बाद में गैम्बलिंग 2 लाख. उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 5 लाख टोटल. कल तक मैं आपको टोटल इनकम दे रहा था, आज हमने टोटल इनकम के वर्ड को भी खोल दिया. टोटल आया 28 लाख. इजंट इट. योर टाइम स्टार्ट्स फॉर 4 मिनट नाउ. 4 मिनट है आपके पास, सॉल्व करें.
हुआ क्या? आउच, टाइम्स अप। एक 5 4 3 4 0 0 5 5 64 200 5 74 600 गलती हुई है, एक और प्रॉब्लम मिलेगा सजा में। 4,81,000, जी हाँ साहब, 4,81,000, 553,800, बहुत बढ़िया बेटा, चलते रहो। 536,120, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। 522,600, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, चलते रहो। 626,600, बोर्ड चल के बोलने लगाइए। 626,600, एक 6,05,800, जी हाँ भाई साहब, 6,05,800, हाँ 5,85,000, जी हाँ साहब, और बड़े चल के बोली लगाइए, बड़े चल के बोली लगाइए साहब, 5,85,001, 5,85,002, 5,64, ये आ गया है शायद, आ गया आ गया। चलिए जबल डस्ट, इमेजिन इमेजिन, एक मिनट सुनना मेरे भाई, सुनना, एक मिनट के लिए भी एहसास हुआ तुम्हें कि ऑलरेडी ब्रेक का टाइम हो गया है? खत्म है भाई साहब, क्या सोच के आए थे? ओ 3 घंटे कैसे निकलेंगे? ओ समय का पता नहीं चलने दूंगा, टेंशन नहीं, इधर देखो बेटा, हाँ ऐसा ऊपर से नीचे देखने का, जब भी देखने का, कैसा देखने का, नीचे से ऊपर भी देखोगे तो शायद तुमको दिखे 1 2 3। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड, नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। तो भैया 3 इनकम मेरे को यहां पे ऐसी दिख रही है जो स्पेशल में है, बोलो हाँ। चलो बेटा दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ला ला, एक आ रहा है स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम के अंदर में। अच्छा जितने लोग सिर्फ सॉल्व कर दिए और ये वर्ड लिखना भूल गए, अभी लिखो मेरे साथ, चलो सर ये सब लिखना बहुत बोर होता है, आई नो, कई बार बिटर पिल्स लेने पड़ते हैं तबीयत ठीक रखने के लिए। सबसे पहले बच्चे लॉटरी आ रहा है, इज इट 3,00,000 × 3% एवरीबॉडी, गैम्बलिंग 2,00,000 ब्रो, हैशटैग ब्रो, इज इट 60,000 ब्रो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 4,00,000 × 10%, सब दैट्स 5,00,000, 5,00,000 है फिर भी 4,00,000 पे टैक्स करूंगा मैं, सर इट्स 5,00,000, मैं 4 पे ही टैक्स करूंगा, सर इट्स 5,00,000, मैं 4,00,000 पे ही टैक्स करूंगा। किसकी गलती यहां हो गई, किसकी गलती यहां हो गई, ईमानदारी से हाथ उठाओ। हा रिविजन बैचेस फॉर नवंबर 2023 विल स्टार्ट सून, हाँ नहीं सर ऐसा थोड़ी नहीं करते, मतलब डायरेक्ट आप, गलती की कोई गुंजाइश नहीं तेरे लाइफ में, अब गलतियां तूने पहले ही बहुत कर ली, सोच के देख। इज द टोटल 1,90,000, यहां पे ऐसा गलती की है, वहां पे ऐसा लिखने का, मस्त, मैं पागल हूं, उसकी शादी
हो जाएगी। प्लीज फोकस कर। हाँ ऐसा लिख, देख भाई अपन एवरेज बच्चे है, अपने लोगों को हैमर लगता है, लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। कैसे पता चला? 10 बार हैमर किया, 10 बार अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं उसकी शादी हो जाएगी बेटा, नहीं किया तो। आए इधर, जो कुछ बचा ये सब कहां आएगा बेटा? नॉर्मल 11 + 4 + 3 = 18। एवरीबॉडी इसमें से बताइए अप टू एन इनकम ऑफ रुपीज 1,12,500 ब्रो, बैलेंस 8 लाख ब्रो, टैक्स रेट एवरेज ऑफ, एक्सक्यूज मी, बैलेंस 3,52,500। जिसने बैल लिखा है उसके आगे एंस लगाओ। नहीं नहीं गड़बड़ मत करो, ईमानदारी से बोलना मेरे बच्चा, टोटल कितना हुआ? इज इट 5,42,500 ब्रो? अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे? खत्म नहीं हुआ है? इज इट 21,700? फाइनल आंसर इज, अरे बनता है और एक ब्रेक दूंगा नहीं जब तक के नहीं आएगा, सारा ब्रेक नहीं होगा जीवन में। नहीं नहीं तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, रुका के रखने का सब कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे आप दूसरे को जाने और अपने को नहीं जाना, लाया था सारा जीवन पे। हट, ये देखो कितने टाइम लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अटेम्प्ट। हद है यार जीवन में। चलो वही एग्जाम्पल को तीसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, 6.3। यस सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, आई लव यू टू बच्चे, सुन। चलो एवरीबॉडी स्टार्ट। इस बार टाइम लिमिट तीन मिनट पर रिड्यूस होगा। पीजीबीपी, हाँ जल्दी लिखने का, मेरे को नहीं मालूम। पीजीबीपी एचपी कंप्यूटेड 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 2 लाख, लॉटरी 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 1 लाख, डिविडेंड 1 लाख, टोटल। सर नहीं नहीं काम करो आप, डालो और भी कुछ डाल दो, डालो डालो, चिन्ना मत छोड़ो, डालो। टोटल देखना बेटा कितनी आ रही है, 13, 16, 20, 21, 22, 23। इज इट 23? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट। चलो 3.5 दिया, 4 चाहिए इन टोटल, 3.5 मिनट। और फॉर्मेट के साथ चाहिए, कैलकुलेटर पे नहीं चाहिए। स्पीड बढ़ाओ लिखने की, वर्ड्स लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, टैक्स लिखो। राहुल जोशी कह रहा है सर सरचार्ज, ये क्या कंसेप्ट होता है, अब तक हमने नहीं पढ़ा। स्पीड कैलकुलेटर पे नहीं, हाथों पे चाहिए, कैलकुलेटर पे नहीं हाथों पे चाहिए, स्पीड में लिखो। पर्टिकुलर्स, रुपीज, टैक्स, स्पेशल, नॉर्मल, ए बी, टोटल।
3.5 मिनट, एल्स आफ्टर मे देर इज नवंबर, प्रेशर आना ही चाहिए। प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, ये आपके सामने है, गलत कर दे भाई चलेगा, बट मैं जानता हूं तू सही करके बाहर निकलेगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा। चला कैलकुलेटर, हाथ चला, दिमाग चला, तीनों चीजों का सिंक्रोनाइजेशन आन दे। अभी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो 3 मिनट में टैक्स सॉल्व नहीं किया बेकार ऐसी जवानी है। पेपर पे बता, वर्ड्स रुपीज सब कुछ लिखा है मेरा बच्चा, स्केल मार फटाफट फॉर्मेट पे। शॉर्ट टर्म किधर आएगा मेरे को नहीं मालूम, 11 ए ही है ना, एक नॉर्मल है एक 11 है, एक 111 ए वाला एक नॉर्मल है। जवाब आ चुकी है लोगों की, एक जवाब 449,800, यहां दूसरा भी जवाब आया है 5,20,000, 475,800, 4,03,000, हाँ 4,18,600, 4,18,600। अब भी 2 मिनट बाकी है, तुम अब भी कर सकते हो, अब भी 2 मिनट बाकी है, किसी का पहले आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट अब भी बाकी है। ये ऑप्शन आ गए, इसके अलावा कुछ है तो बोलो। फोर नाम क्या बेटा जरा, साक्षी कह रही है 465,400, बराबर ना बेटा 465,400। एक जानवी ने निकाला है 356,3650, यानी 35,63,650। इनकम से ऊपर का टैक्स कैसे निकाल लेते तुम यार, ऐसा दम भी कैसे आता है तुम्हारे अंदर, कितना आ रहा बेटा 449,800। लास्ट हाफ मिनट, आखिरी का आधा मिनट, ये आधा मिनट में कुछ कर पाए नहीं तो ठीक, नहीं तो चन्ना मेरिया। फोर लाख 70,600, 4,70,600 इज द लेटेस्ट आंसर आई गॉट, 2,99,000। ये बात बेटा, मैं इस सीए के पास जाएगा, बहुत कम किया है टैक्स इसने, ये गोल्ड मेडलिस्ट है तू, है तेरे को पता नहीं है। थ्री लाख 41,640, बहुत बढ़िया बेटा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप स्टॉप, जाओ रुक जाओ, खत्म।
एक बात बताओ, मजा बहुत आ रहा है ना, लगी पड़ी है ना, ना इधर देख रहे ना इधर देख रहे, ऐसा चल इधर सुन बेटा, ऊपर से नीचे तक सबसे पहले फोकस करने का। स्पेशल में कौन कौन आ रहा है? 1 2 3 4 जस्ट 4 सर सर व्हाट अबाउट द शॉटिंग एब्रिगेंस दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, किसने ये गलती कर दी है, किसने ये गलती कर दी, कहा सोच के आए थे, साडा खुश हो जा, शाबाशी हो जा, ओ सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट, ओ क्या लगाना, एसी है एफसी है बिग फोर, ओ सर आप हमारी मजाक उड़ा रहे हो सर, ओ ये देखना भूलिए, कुछ ने समझ लिया, कुछ को समझना पड़ेगा। चल मेरा बच्चा आया, ए डी, अब बेटा आवाज बंद, आवाज बंद, आवाज, गाइस गाइस प्लीज आवाज बंद। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 एक आए, पर्टिकुलर्स रुपीस टैक्स, इज इट बेटा आवाज बंद, इज इट 30,000 रुपीज ब्रो, अरे मेरे को हाँ या ना में जवाब दो जल्दी जल्दी। लॉटरी 2,00,000 × 30%, इज इट 60,000 ब्रो, 1,00,000, इज इट 20,000 ब्रो, अच्छा जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए डैश डैश, हाँ या ना, अप टू 1,00,000 रुपीज उस पर टैक्स आता, जो बचा सब कुछ किधर जाएगा बेटा, 11 + 2 + 3 = 15 + 1 = 16, अच्छा 17, क्या इस 17 लाख पे अप टू ₹10,00,000 मेरे को टैक्स पता है, बैलेंस कितना बचा, इस पे टैक्स रेट कितना परसेंट, 7 × 3 = 21, ₹3,22,000, चलो बच्चे टोटल 432, अरे अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, ₹4,49,800, लल्ला लल्ला, लल्ला लल्ला, हा 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 हा, सुनो नीचे लिखो नोट, माई नोट, माई नोट, जब भी मैं आपसे माई नोट लिखाऊंगा ये नोट आपके समझने के लिए है, ठीक है, माई नोट लिखो, और ये नोट आप इंग्लिश में लिख सकोगे जैसे एसएमएस लैंग्वेज में लिखते हैं, बिल्कुल वैसे लिखने का, ये आपके लिए है, एग्जाम में लिख के नहीं आने का, ये सिर्फ आपके लिए है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर
नॉर्मल एसएमएस लिख रहे हो, पर ये एसएमएस तुम सिर्फ अपने लिए लिख रहे हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111 ए लिखा ना हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111 ए लिखा ना हो तो नॉर्मल में डालना, तो नॉर्मल में डालना। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए रुपीज 1 लाख तक टैक्स नहीं होता। तीसरा, तीसरा, अरे पागल लिखते जाओ, अरे पागल डिविडेंड नॉर्मल इनकम है, अरे पागल डिविडेंड नॉर्मल इनकम, लिखते जाओ, बोल रहा हूं लिखते जाओ, बहुत हेल्प करेगा। अरे पागल डिविडेंड नॉर्मल इनकम है, बराबर है, स्माइली बनाओ उसकी बाजू मस्त। डन है मेरे बच्चा, जाओ एक ब्रेक लेके आओ, 2 मिनट में फ्रेश होके आओ, छोड़ूंगा नहीं तुम, 1 मिनट मेरा बात समझो, आके भी वापस यही करना है जब तक सबका आंसर सेम नहीं आता। 50 प्रॉब्लम लगे चलेगा, 1 लेक्चर लग जाए चलेगा। जल्दी से ब्रेक लेके आओ, भाई भाई सुना, उधर जो भी है इधर का गेट ओपन कर, ओपन है, ओपन है, नहीं तो तू घर पे बैठे बैठे करेगा तो कभी नहीं होने वाला है। तो टैक्स ऑडिटिंग का होता है 44AA PGBP का एक सेक्शन आता है, वो आनंद सर ने पूछने बोला था अपने टैक्स के सर को पूछना कि टैक्स ऑडिटिंग कब होता है। सी उसमें 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया, प्रोफेशनल का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर गया, आप प्रेजम्प्टिव इनकम शो कर रहे हो, लोअर प्रॉफिट शो कर रहे हो, पर इनकम बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट से ऊपर है, तो जब तू जवाब देगा वो बोलना 44AB के अंदर में आता है। और मल्टीपल कंडीशन है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, बिजनेस में भी प्रेजम्प्टिव इनकम है या नहीं है वो बताओ, फिर बताओ। किसी का बर्थडे होता है तो उसके लिए बेसिक मैं जानता हूँ, इनकम टैक्स को लेकर तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, इंटरेस्ट ही पूरे दिन में इसी में आ रहा है, इंटरेस्ट ही इसी टॉपिक में आ रहा है।
तेरे बाजू अच्छे से घूमना What's up, Daddy? डन हाँ नहीं वो उधर अभी नहीं गया पहले जाके आया अभी नहीं गया
ओके लेट्स स्टार्ट. यस वेलकम आफ्टर द ब्रेक. यस चलो जी, एक और प्रॉब्लम बनता है क्या मालिक? 6.4 सैलरी कंप्यूटेड 40,000, पीजीबीपी 40,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 40,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए 40,000, लॉटरी 40,000, टोटल 2 lakhs. और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मजा आएगा. डिविडेंड 1 lakh, अब टोटल करो मजा आएगा. एग्जाम्पल नंबर 4 पेश है, खिदमत है. That's 4 lakh. आप टोटल पूछ रहे हो ना? सैलरी 40,000, पीजीबीपी 40,000, लॉन्ग टर्म 40,000, एसटीसीजी 40,000, लॉटरी 1,40,000, डिविडेंड 1 lakh, इन टोटल 4 lakh. पहले 4 figure 40,000 है, सेकेंड लास्ट फिगर 1,40,000 है, थर्ड फिगर 1 lakh है. तो जवाब हमारे सामने आने शुरू हो चुके हैं. एक मिनट अपने नाम के साथ बताइए. अब 58,240 भाई तेरा नाम क्या है? जय. ए वाई लिखता है ना कि आई लिखता है? वाई. जय भाई. 58,240 ये इधर बेसहारा डिजर्ट कुछ
58 to 40 उधर पीछे वही ये इधर इस कोने में 58 to 40 हाँ 58 to 40 यहां तो ऐसा लाइन से 58 to 40 आ गया. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. हाँ और किसी का कुछ, और किसी का कुछ, कोई आंसर डिफरेंट? हाँ बच्चे नील, नाम क्या है बच्चे तेरा? आयुष लिख दू बच्चे, दैट्स ओके. ऐश कह रही है टैक्स ही नहीं आ सकता, पता नहीं ऐश को क्या लग रहा है. $56,000 भाई तृणमूल. निधीश 52,000 वेदांत कह रहा है. अब कुछ नहीं हो सकता, अटेम्प्ट. हाँ इधर इधर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो. 58 to 40 पाजी कितनी? ऐसे मत कर यार, तू जल्दी निकाल तू. 58 to 40 एवरीबॉडी 58 to 40 बच्चा ये इधर 58 to 40 पूरा लाइन, आपका भी पूरा लाइन. ये इधर पहला वाला लाइन क्या बोलता है ये इधर? हाँ कितना है? अभी आया तू? नालायक कितना है? 58 to 40 सब लोग 58 किधर घूम रहा तू जीवन में? जाना कहाँ है तेरे को? टिकट किधर की? 49,920 भाई तेरा गाड़ी चलाएगा. 49,920 नाम बोल भाई तेरा. अभी अभी लिखू भाई सिर्फ? हाँ एक मिनट, सुजल कह रही है 3220 3240 सॉरी 3220 एक मिनट. प्रकाश कह रहा है 42640 हाँ 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 43680 वेरी गुड 43680 नाम बोल भाई तेरा. राहुल देखो पता है हम भारत को विविधता में एकता क्यों कहते हैं? पढ़ाया सबको एक, आंसर सबके अनेक. विविधता में एकता कराए चकाए. क्या लगता है बच्चे क्या आएगा? श्योर हो 58 to 40 सारे लोग? मोटे मोटे तौर पे लेट्स वर्क आउट. सुनो आवाज प्लीज बंद फोकस करो, कॉन्सेप्ट है ब्रो. हैशटैग ब्रो ये हमारे स्पेशल में आ गई बराबर. तो इधर देखो सब लोग पेन को हाथ नहीं लगाना, इधर उधर नहीं देखना, 100% फोकस करना स्क्रीन के ऊपर ठीक है. स्पेशल पर्टिक्यूलर्स रुपीस टैक्स लॉन्ग टर्म कितना है बोलो? 40,000 इंटू 20% इज इट 8,000? हाँ बोलो. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज इट 40,000 इंटू 15% इज इट 6,000? इसके बाद में लॉटरी इंटू 30% 42,000 इज इट 56,000 द टोटल अदर्स 180 ध्यान से सुनना 180 आया. अब यहीं से आपका चालू होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. क्या एसएससी ने बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट अब्सॉर्ब किया? यहां से चालू होता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से सुनना. क्या एसएससी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब किया? नहीं.
अब एक संवाद सुनिएगा, आप डिसाइड करिएगा, एक डायलॉग सुनिएगा, आप डिसाइड करिएगा कौन सही। एओ एओ हाँ मिलाओ, चलो स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स निकालो 56,000 रुपीज, और जो तुम्हारा बैलेंस है वो तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो चलो उसको नील कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, चलो जीरो कर दो। टैक्स पेयर, सर एक मिनट, सरकार ने मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेने का हक दिया है 2,40,000 का। हाँ यहां सरकार ने मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेने का हक दिया है और यह हक मैं लेके रहूंगा। सर मेरी एक बात सुनिए, आई एम अ टैक्स मैन, मेरे को टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब नहीं हुआ है। यू डू वन थिंग, इधर आइए मेरी बात सुनिए, यू डू वन थिंग, मेरे पास नॉर्मल इनकम भी है, मेरे पास स्पेशल इनकम भी है, क्या मेरा नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब कर पा रहा है? आप एक काम कीजिए, मेरे स्पेशल इनकम को इधर एडजस्ट कर दीजिए अप टू एन अमाउंट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बैलेंस इफ एनी आप चार्ज कीजिए स्पेशल रेट पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम अ टैक्स मैन, मैं टैक्स दूंगा, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मेरी बात समझिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हर आदमी को मिलता है, मेरा भी हक है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हर आदमी को मिलना चाहिए, मेरा भी हक है। माय नॉर्मल इनकम कैन नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एट द सेम टाइम आई हैव सर्टेन स्पेशल इनकम, आई एम मेकिंग जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट टू यू, जस्ट डू वन थिंग, द स्पेशल इनकम शुड बी एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड वॉट एवर इज द बैलेंस ओवर एंड अबाउट 2,50,000 यू चार्ज इट एट वॉट एवर रेट यू आर स्पेसिफाइंग इट टू मी। मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है, बात समझ लीजिए, काम खत्म, बचा हुआ अमाउंट ऑफ स्पेशल रेट पे लाइए ना सर, मेरे को कहां तकलीफ है, पर एज अ टैक्स पेयर मेरी कुछ तो तकलीफ सुनिए, एज अ टैक्स पेयर मेरा कुछ तो जीवन में बात समझिए। एओ नहीं नहीं नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशल इनकम जनरली, स्पेशल इनकम कुछ जनरली वर्ड का मीनिंग समझा क्या, इसीलिए कह रहा था पेशेंस रखो, अभी जिसको क्लिक नहीं हुआ वापस बोलो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशल इनकम जनरली टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, जनरली, जब मेरा नॉर्मल इनकम अगर नॉर्मल है तो मैं इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूं सर, अगर मेरा इनकम नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब कर रहा है तो मैंने अब तक पिछले चार प्रॉब्लम से आप पे क्वेश्चन नहीं उठाए, इस टाइम मेरी मजबूरी है, मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, जनरली स्पेशल इनकम आर चार्जेबल एट स्पेशल रेट, बट इफ माय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड कैन आई आस्क डिपार्टमेंट टू जस्ट एडजस्ट माय स्पेशल इनकम, यू जस्ट गिव मी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, दैट्स ऑल आई वॉन्ट, समझो बात को, क्या लग रहा है दोनों में से कौन सही है, असेसी या टैक्स पेयर, असेसी या एओ? अगर आप टैक्स पेयर रहोगे तो आपको नहीं लगता आप भी यही डिमांड करोगे, आप बोलोगे सर सी मेरे को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलना चाहिए, ये तो मेरा बेसिक हक है जो इनकम टैक्स मेरे को देता है, राइट? अगर ये मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब कर पाया हूं? नहीं, तो आप एक काम कीजिए, मेरे पास स्पेशल इनकम है, ये स्पेशल इनकम को आप मेरे नॉर्मल इनकम के साथ एडजस्ट कर दीजिए, मैं पूरा एडजस्ट करने बोल रहा हूं, नहीं सिर्फ उतना जितने में मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब हो जाए, और बचा हुआ जो इनकम रहेगा वो आप कैसे भी टैक्स कर लो, जो आपको स्पेशल रेट पे टैक्स करना है, आई एम अ टैक्स मैन लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मेरे को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर जो मेरा हक है वो छोड़ करके तो मैं काम नहीं कर सकता ना, मेरा बात समझना, जो मेरा हक है मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता हूं, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आप सिर्फ मेरा इतना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, काम खत्म, अदरवाइज सर इट वुड कॉज अ जेन्युइन हार्डशिप ऑन मी, इट वुड कॉज अ जेन्युइन हार्डशिप ऑन मी, ये मेरे ऊपर जेन्युइन हार्डशिप रहेगा। हां यहां आप टैक्स पेयर रहोगे, एक नॉर्मल टैक्स पेयर रहेगा वो एग्जैक्टली सेम डिमांड करेगा, वो बोलेगा यार मेरे को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दो, उसके बाद आपको जो नॉर्मल रेट पे टैक्स करना है करो ना यार, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं जब एक रुपए से भी टैक्स देने को तैयार हूं तो मेरे को एटलीस्ट मेरा जो हक है ये तो मिलना चाहिए ना, बात समझो, अरे हाँ है ना, बात समझना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ मेरे हक का डिमांड कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए,
ऐसे केस में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे केस में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पेशल इनकम है तो ये स्पेशल इनकम को पहले हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए यूज कर लें, यस, और बैलेंस इफ एनी, बैलेंस इफ एनी आप उसको स्पेशल रेट पे लेके जाओ। आपके मन में यहां से तीन से चार सवाल एक सेकंड में खड़े होने ही चाहिए। पहला, तीनों में से पहले क्या एडजस्ट करना है, क्योंकि एज अ टैक्स पेयर तुम पहले लॉटरी एडजस्ट करना चाहोगे। मेरे को कैसे समझा तेरे दिल में क्या है, कॉमन सेंस है ये, जिसपे सबसे ज्यादा लग रहा आदमी पहले उसको एडजस्ट करना चाहेगा वो जीरो हो रहा है। अबे इसी तरीके से तो तुमने धीरे से टैक्स प्लानिंग सीख लिया, तुमको मैंने पढ़ाया नहीं, टैक्स प्लानिंग पढ़ा रहा हूं, तुमसे अंदर से निकलवाया। समझ रहे हो बात, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रोमांसिंग द टैक्सेशन। ध्यान से सुन, तू सबसे पहले क्या एडजस्ट करना चाहेगा, 30, लॉजिकल है। अबे जीरो हो रहा सीधा 30, क्लाइंट का 30% टैक्स है, और क्लाइंट को जाकर के तुम बोलोगे साहब 30% टैक्स बचाया है, 5% मेरा। क्लाइंट कैलकुलेशन करेगा इफेक्टिव टैक्स सेविंग 25%, ये सिर्फ 5 मांग रहा है, फायदे का सौदा हुआ नहीं है, तुम्हारा क्लाइंट सेट। उसको लगेगा अपने को अटेम्प्ट नहीं लगे, अंदर की सच्चाई अपने को पता। आओ जिधर मिले खेच, कुछ रुकने का नहीं, बहुत सेक्रीफाइस कर लिया लाइफ में, यस। अब ध्यान से सुनना, गिवन एन ऑप्शन, दूसरा क्या एडजस्ट करना चाहोगे। सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते, जिसका टैक्स रेट ज्यादा है पहले वो एडजस्ट करना चाहोगे। अब तुम एओ हो, अब बोलो। अब तुम एओ हो, अब बोलो। अब तुम टैक्स पेयर नहीं हो, अब तुम एओ हो, अब बोलो। आरा धन्ने की दुकान में अब यहां हो गया क्लैश। वो अपना फायदा देख रहा है, तुम अपना देखो। बात समझ लेना बेटा, शब्दों से कहना चाहूंगा बहुत डीप है कि बदल दिए हमने भी जीने के तरीके, अब जैसी दुनिया वैसे हम। एओ बोलेगा ना, भाई तू तेरा फायदा देख रहा, मैं मेरा फायदा क्यों नहीं देखूंगा। एओ बोलेगा मैं तो पहले सबसे पहले क्या एडजस्ट करूं, एसटीसीजी एडजस्ट करूं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यू नो। आता करायचं काय, मस्त एवरेज कर दो नहीं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, यहीं से आता है आपका पांचवा नोट बाहर। सोचो ऐसा प्रॉब्लम नहीं लेता तो कभी समझ में तो भी आता क्या जीवन में चल क्या रहा है। अरे यही मजा है, आपको पता है क्या, यही मजा है। ये साला कैसा भी घुमाया तुम्हारे को तो तुमको पता आना ही चाहिए। अच्छा ये है तुम्हारा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या जरूरी है ऐसा करना ही है, ये सवाल तुम्हारे मन में आना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या ये हर कैटेगरी ऑफ एसएससी के लिए होगा, आंसर इज नो। क्या नॉन रेसिडेंट को भी इसका बेनिफिट दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एडजस्टमेंट हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट भी आके ये बात बोल सकता है। अरे नॉन रेसिडेंट कोई बिजनेस थोड़ी नहीं कर रहा है इंडिया में, वो तो उल्टा आकर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, वो तो 100% चाहेगा ऐसा बेनिफिट उसको मिल जाए। उसको तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट है ना, नॉन रेसिडेंट तो कंफर्म चाहेगा कि यार मेरे को ये बेनिफिट मिल जाए। बट क्या हमने नॉन रेसिडेंट को भी ये बेनिफिट दे देने चाहिए, सोच के देखो भारत सरकार के हिसाब से, नहीं देने चाहिए हमने। हाँ, इंडियन रेसिडेंट को ये देने चाहिए, यस, पर नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट नहीं देने चाहिए यार, लॉजिकली, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऊपर से डिफरेंस ऑफ करेंसी भी लेकर के आ रहा है, करेंसी डिफरेंस में भी हमारी बैंड बजा रहा है, बात समझना मेरी। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए, सरकार को समझ रहा था कि यार ये एक जेन्युइन हार्डशिप है टैक्स पेयर के ऊपर। यस, चार्ट पे जाओ, कितने नोट हुए, 4, बराबर है, कितने नोट आने हैं टोटल, 6, पांचवा नोट स्पेशल एडजस्टमेंट। सुनो, मैंने आपको जनरली वर्ड बोला था, दीज आर जनरली टैक्सेबल एट दिस रेट, हालांकि कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट भी हो सकती है, कब, जब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब। समझ आ रही है बात,
अरे हाँ या हाँ, अच्छा जी, आप ऐसे ही कोई चार्ट बना रहे हो क्या देखने वाला? वैसे मैं आपको बता दूं, आपके नोट्स में बना हुआ है ये, यही चार्ट जो मैं आपसे बनवा रहा हूं ना, ये मैंने आपकी बुक में ऑलरेडी बना रखा है। तो सर फिर इतनी मेहनत हमसे क्यों करवाई? लिखोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा, बात समझना। ये देखो, रिबेट का नोट नंबर 1, एचईसी का नोट नंबर 2, राउंड ऑफ का नोट नंबर 3, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स का नोट नंबर 4, स्पेशल एडजस्टमेंट नोट नंबर 5। आप समझ नहीं रहे प्रभु, आपका क्लास बिल्कुल आपके नोट्स के हिसाब से चले जा रहा है। यस और नो? चलो आओ, फिफ्थ पॉइंट लिखिए। अच्छा, ये फिफ्थ पॉइंट मेरे हिसाब से चार्ट के नीचे भी हो सकता है, जो एक पीछे का पेज खाली है वहां पे भी हो सकता है, जहां आपका स्पेस अवेलेबल हो वहां लिख दो। याद रखना, जो लास्ट नोट है इसके लिए हाफ पेज तो लगेगा ही लगेगा, जो लास्ट नोट है इसके लिए हाफ पेज तो लगेगा ही लगेगा, तो उस हिसाब से सारी चीजें एडजस्ट करना। स्पेशल एडजस्टमेंट, ये वाला नोट मात्र 3 लाइन, 3.5 लाइन उतना ही होगा। यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, एक मोमेंट दो। अच्छा, इफ एन असेसी इंडिविजुअल और HUF रेसिडेंट हैज स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड असेसी कैन नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सच इनकम shall be first adjusted towards basic exemption limit and balance if any taxable at special rate if assessee individual or HUF resident has special income assessee cannot absorb basic exemption limit such income shall be first adjusted toward basic exemption limit and balance if any is taxable at special rate. Lik to baba. भाई जी लिख लिया, अब इसका तोड़फोड़ करना चालू करते हैं। क्या लिखा है? पहला, असेसी शुड बी इंडिविजुअल और HUF, यानी बाकी कोई भी पर्सन के लिए ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी फर्म हो गई, कंपनी हो गई, AOP, BOI हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, AJP हो गई, बाकी किसी के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ओनली इंडिविजुअल और HUF।
दूसरा वर्ड लिखा है रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। यस, इसके पास अगर कोई स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम में भी उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया है कौन सी, लॉन्ग टर्म की दोनों, शॉर्ट टर्म की एक। वैसे भी दूसरा शॉर्ट टर्म तो नॉर्मल में ही आता है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं था। एक चीज मिसिंग है यहां पर, ढूंढो स्पेशल में, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से एडजस्टमेंट पॉसिबल, सरकार ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी है। सरकार को मालूम था एज अ टैक्स पेयर तुम सबसे पहले 30% एडजस्ट करोगे, सरकार को मालूम था। सर पर ये तो गलत है ना सर यार, देखो मतलब ये तो जेन्युइनली गलत है। अच्छा, एक तो तुम्हारा एडजस्टमेंट भी करके ले रहे बेचारे, पर हाँ तुम क्या चाह रहे हो, सारी सुविधा ही तुम्हारी हो, ये तो सही नहीं है ना। सरकार को समझ गया था कि तुम ये नालायक पंथी जरूर करोगे, गिवन एन ऑप्शन ना तुम सबसे पहले 30% एडजस्ट करना चाहोगे, सरकार ने वो ऑप्शन ही नहीं रखा तुम्हारे सामने। यानी स्पेशल इनकम में भी देयर कुड बी ओनली 3 थिंग विच कुड बी एडजस्टेड, लॉन्ग टर्म के दोनों, शॉर्ट टर्म का एक, और वो शॉर्ट टर्म का दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट में नॉर्मल में आता है, तो उसका डिस्कशन का कोई मैटर ही नहीं है। समझ आ रही है बात? यस। यानी हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे सीखा कैजुअल इनकम कांट बी यूज्ड फॉर दिस एडजस्टमेंट। कैजुअल इनकम एडजस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है बच्चे, कैजुअल इनकम ये एडजस्टमेंट में आ ही नहीं सकती, बराबर। अब ध्यान से सुनो, लॉ में है एक लूप होल, लॉ में है एक लूप होल, लिखना नहीं सिर्फ समझना। जवाब तुम खुद दे दोगे मैं जानता हूं, लिखना नहीं है सिर्फ समझना। बेटा 112A बियॉन्ड 1 लाख रुपीज 10% पे टैक्सेबल है, 112 वाला 20% पे टैक्सेबल है, 111A वाला 15% पे टैक्सेबल है, बराबर है। ये पूरा प्रोविजन पढ़ो, कहीं भी तुम्हें ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताया है क्या? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ मतलब पहले क्या एडजस्ट करना ये बताया है? यही है लॉ में लूप होल, यही है लॉ में लूप होल। मतलब यू कैन एडजस्ट इन अ मैनर और अ फैशन यू लाइक, एंड ऑब्वियसली एज अ टैक्स पेयर यू विल एडजस्ट फर्स्ट, देन होप यू गॉट दिस। ये लॉ में लूप होल है, एक्चुअली लॉ मेकर ये लिखना ही भूल गए, और इसका फायदा उठाते हैं हम। अब सुनो, इसका पैसा कैसे बनाना है, ठीक है? एक्चुअली जब क्लाइंट आता है ना, तो ये आता है गूगल देख के, ये क्या करके आता है, गूगल देख के। गूगल देख करके जब आता है, तो गूगल के ऊपर जो चीजें है ये उसको पता ही नहीं होती कि ये ऐसे भी एडजस्ट हो सकती है। तो ऐसे केस में वो हमारे पास आता है, उसको एक कई बार ये स्पेशल एडजस्टमेंट पता ही नहीं होती। अब सुनो, इसका पैसा कैसे बनाते हैं भाई। जब मैं इनकम टैक्स सिखाऊंगा तो पहले इनकम भी तो सिखाऊंगा ना पहले इनकम सिखाऊंगा फिर तो टैक्स सिखाऊंगा ना बेटा। यस, तो अब इसका पैसा कैसे बनाते हैं? क्लाइंट अपने पास आएगा, बराबर है, क्लाइंट बिल्कुल ऐसे ही अटक के आएगा जैसे अभी तुमको अटकाया ना मैंने, उसको ऐसे अटक के आएगा, उसको लगेगा 56,000 रुपए का टैक्स है, बराबर है। क्लाइंट आएगा 56,000 रुपीज का टैक्स, उसको वो सोचेगा साला 4 लाख में से 56,000 का तो टैक्स जा रहा है, कैसे करेगा। फिर वो भागते भागते उन महापुरुषों के पास आएगा जिन्होंने 3.5 साल अपना संडे भी गवाने वाले हैं, मंडे भी गवाने वाले, सब दिन गवाने वाले हैं, दिन भर बेचारे सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने वाले, उनके पास आएगा, बोले प्रभु पथ प्रदर्शित करो, क्या करूं मैं। अब क्या करने का, जब ऐसा क्लाइंट आया आपको ना, अब मेरे साथ पढ़ के आपको तुरंत समझ में आएगा यहाँ पे कांड क्या होने वाला है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं है, स्पेशल इनकम है, लॉटरी एडजस्ट हो सकती नहीं, पर बची हुई दो में से भी पहले क्या एडजस्ट करना तुम जानते हो, ये तुमको पता है, बोलो मत बे, क्लाइंट सुन लेगा, चुप दीवारों के कान होते, चुप, क्या पता बाजू वाला तुम्हारा क्लाइंट बन जाए।
फोकस, हाँ ऐसा नहीं करते, ध्यान से सुनो। अब क्लाइंट आएगा, उसको ऐसा स्पेशल एडजस्टमेंट पता नहीं है, उसको पता है 56,000। अब देखो कैसे एडजस्ट किया जा सकता, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ सुनना, पैसा कमाना पहले सिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे 1,80,000 है, हम सबसे पहले इधर से ये एडजस्ट कर ले, लिखा लॉ में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो हम क्लाइंट का सर्वत्र बेनिफिट देखना चाहेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट देखना चाहेंगे। ये 40,000 इधर एडजस्ट कर दो, अभी भी 1,80,000 प्लस 40,000 ही हुए, 220 हुए, यहां से और कितने निकालू, 30, यहां से और 30 निकाल लिए मैंने, ये पूरे 250 हो गए, 250 में से 250 माइनस हो गए, इधर आ गया नील। अब शॉर्ट टर्म में बचा 10,000, 40 में से कितने एडजस्ट किए, 30, अरे 40 में से कितने एडजस्ट किए ब्रो, 30, अभी भी 10 बचा, 10 पे 15% 1500, और लॉटरी के पूरे 42,000 आएंगे, आपको समझ जाएगा 42,000 प्लस 1,500 43,500 टैक्स आना चाहिए। पर क्लाइंट कितना देख के आया होगा टैक्स, गूगल का नॉलेज, गूगल का नॉलेज, अब वो हमारे पास आता है। अब सुनो इसका पैसा कैसे बनाते, गंदा है पर धंधा है ये, सुनना क्या करने का, क्लाइंट जैसी आए आप अपने ऑफिस में ऐसा बैठे रहोगे राइट, वो बोलेगा सर यार टैक्स 56,000 आ रहा है, देखिए आप कुछ कर सकते हो क्या, वो आके ऐसे ही बोलता है, देखिए आप कुछ कर सकते हो क्या। उठने का, ऐसा कोई तो भी बुक पड़ी होगी तुम्हारी भी, उसको निकालने का राइट, मे बी कॉस्टिंग का बुक निकालने का इधर से, बराबर की नहीं, यू टेल मी नाउ, ऐसा बुक खोल के देख लिया, उसको घंटा समझ आ रहा कौन सी बुक है, उसको घंटा समझ आ रहा कौन सी बुक है, हाँ बराबर ऐसा खोलेगा, सो दैट उसके सामने ऐसा बताने का जैसे अपन कितना पढ़ रहे, पूरा गेम तुमको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, मेरा बात समझना। पर ये 2 मिनट में क्लाइंट को छोड़ दिया तो उसकी अपनी कीमत नहीं समझ आएगी, उसको अपने 3.5-4 साल से आके एफर्ट नहीं समझ आएंगे, उसको ऐसा बुक ओपन करना, दैट कॉस्ट हैज टू बी अपोर्शन्ड ओवर द, ऐसा ऐसा मन में पड़ने का, फिर उसको बोलने का ऐसा चेयर से उठने का, ऐसा घूमने का, उसको लगता कुछ तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ लाइफ में। सर क्लाइंट को बोलने का, सपोज टू क्लाइंट है सर 50,000 पे टैक्स लाके दे दूंगा, बट सर मेरा जनरली फीस 4,000 रुपए, 5,000 लगेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मेरे को, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये सिर्फ तुमको समझ रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आदमी अब उल्टा कैलकुलेशन कर रहा, बच कितने रहे, 6, देना कितने है, अबे 1, इफेक्टिव सेविंग 5,000, वो बोलता सर ओके। उसके बाद में ऐसा अपने आर्टिकल को बेल बजा के बुलाने का, आर्टिकल है एक काम कर, वो विजय की फाइल लेके आ, कोई तो भलते क्लाइंट की फाइल मंगाने की जिसका इससे कोई संबंध नहीं, जिसका इससे कोई संबंध नहीं, भलते क्लाइंट की फाइल मंगाने की, क्लाइंट का फाइल मंगाया, क्लाइंट का फाइल मंगा के ऐसा देखने का, उसको लगता है साला कुछ तो बहुत भारी का कर रहा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है सब कुछ, बोलेगा सर 1 मिनट, आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया, एक क्लाइंट के लिए ना सर मैंने ऐसा किया है, मेरा बात समझो, मैं आपका टैक्स ना सर 47 पे लाके रख देता हूं, अपने को जाना 43 पे है, अपन खेल रहे बार्गेन, मुंह पे बोल के नहीं। सर मैं 47 पे ला दूंगा, भाभी का रिटर्न भरा है, बोलता नहीं सर भाभी का रिटर्न नहीं भरा, सर भाभी का रिटर्न भरवाइए, 47 पे लाके देता हूं, कोशिश करूंगा शायद 45 भी ला दूं, पर भाभी का आप रिटर्न भरवाइए, खैर उनके रिटर्न में कुछ नहीं है, बस मेरे को एडजस्टमेंट करने के लिए चाहिए, उनका रिटर्न का सिर्फ 2,000 लूंगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, एक और क्लाइंट बना। एक और क्लाइंट बना, 2,000 ही आ रहे, अगली बार में छापेंगे, एक बार में नहीं छापने का सब कुछ, पर 2,000 तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, आप बात समझ रहे हो,
आदमी उल्टा कैलकुलेशन कर रहा, 56,000 से आदमी ने मेरे 10,000 कम कर दिए, ले दे के मंग की तेरा 3,000, ले दे के मंग की तेरा, फिर भी 7,000 का सेविंग है, प्लस वाइफ का भी रिटर्न भर जा रहा, कर दो अपन 43,500 पे लेके जाएंगे, पर अभी बार्गेन चालू है। वो गया, शाम में उसको कॉल करेंगे, सर आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। सर क्या? सर फाइनली ना मैंने बहुत मेहनत करी, थोड़ा एओ से भी बात किया, अपने पहचान के साहब, अच्छा खासा दोस्ती है अपना, 43,500 फाइनल कर दूंगा सर, प्लीज इससे नीचे मत बोलो, और मेरे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए बस। वो आदमी सोचता ये आदमी देवता है, भगवान है ये आदमी, साला मेरे को 45 का कमिटमेंट किया था, 43,500 पे ला लिया, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, परमानेंसी ऑफ क्लाइंट, विश्वास जीतना होता है, बात समझना, समझ आ रही है बात, हर काम पैसे के लिए नहीं होता, परमानेंट पैसे के लिए भी होता है। अरे क्लाइंट नहीं छोड़ना पागल, क्लाइंट नहीं छोड़ना है, उसको परमानेंट बनाना है, विश्वास जीतना होगा, बात समझना। सेम चीज हमने, बस नॉलेज, हमने कुछ गंदगी की, छी छी, प्योर यूज ऑफ नॉलेज, वी जस्ट मेड प्लानिंग, हमने कुछ गलत नहीं किया, एथिक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन बुक्स, वी फॉलोड इट, हमने फॉलो किया, हमने झूठ नहीं बोला, सच्चाई छुपाई सिर्फ। समझ रहे हो बात को? ऐसे कई लोग करते बेटा, आपने नहीं करना, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया, अपन बता रहे मार्केट में कैसा होता। समझ आ रहा है तुम्हारे? हाँ चलिए इसी से आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूं, मेरी बात समझना, छोटा सा ज्ञान देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में, गाय दूध नहीं देती, बोलो बोलो मेरे साथ दो बार बोलो, गाय दूध नहीं देती, चलो फिर से बोलो, पक्का? अब थोड़ा सा सोचो मैं क्या कह रहा हूं और फिर बोलो, गाय दूध नहीं देती, पहले सोचो, गाय दूध नहीं देती। कुछ लोगों को क्लिक कर गया मैं क्या कह रहा हूं, वापस से सुनो, गाय दूध नहीं देती, समझ रहे हो? और जिसको नहीं समझा बेटा सुनो मेरी बात, तुम लोग ना चौथे पांचवे दिन बिगड़ रहे हो, मेरी बात समझ लो, है ना? अरे मुझे एक बात बताओ, ये जितनी तुम मस्ती कर रहे हो ये सिर्फ मेरे ही लेक्चर में है या सबको ये डिस्ट्रीब्यूटेड है? सबको डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? अच्छा सुनो, सो गाय दूध नहीं देती, मेरी बात समझना बेटा, गाय कभी दूध नहीं देती, राइट? अंडरस्टैंड, जब एक गाय के लिए दूध निकालने जाता है ना, जो जिसे मैं कह सकता हूँ ग्वाला, जब एक दूध निकालने जाता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो रोज सुबह उठता है, सबसे पहले गाय को ऐसा पानी मारता है, राइट, उसको साफ करता है, राइट, उसको जाके उसका बॉडी ऊपर से सहलाएगा, उसका जो पीने का पानी है उसको चेंज करेगा, उसके बाद जो उसका खाने का चारा है वो उसको प्रोवाइड करेगा, फिर उसके गले में ऐसे हाथ सहलाएगा, आजू बाजू की जगह को साफ करेगा, अगरबत्ती लगाएगा ताकि उसको अच्छा लगे, उसके साथ बातें करेगा, और कैसे सब ठीक चल रहा है, ये मालूम है उसको कोई जवाब नहीं आने वाला, पर वो उससे बात करेगा, दोस्ती करने की कोशिश करेगा, उसकी पूंछ को सहलाएगा, फिर ले जाकर के बाल्टी ऐसा नीचे रख देगा, फिर जाएगा, फिर यू नो वहां का और दूसरों की भी मदद करेगा, फिर लाके उसको गुड़ खिलाएगा, अच्छी से खा, कितनी पतली हो रही है तू, फिर जाके उसके थन को यू नो साफ करेगा जहां से दूध निकलता है, फिर उससे बात करेगा, उसके पैर को थोड़ा सा दबाएगा, उसके हाथ को दबाएगा, उसके बॉडी को यू नो अच्छे से रिलैक्स करेगा, उसके बाद जाकर के पाटा लगाएगा, उससे बात करता रहेगा, बात करता रहेगा, और धीरे 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 वो दूध निकालता रहेगा। मेरा बात समझना, गाय दूध नहीं देती, माहौल बनाना पड़ता है दूध निकालने के लिए, क्या करना पड़ता है? माहौल बनाना पड़ता है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्या समझा तुमको?
क्लाइंट मूड बनाना पड़ता है भाई। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पूरा एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा उस चीज को निकालने के लिए। समझ आ रहा है मेरा बात को? श्री कृष्ण जी ने भी पूरा का पूरा महाभारत का गेम रचा था भाई पहले, और फिर जाकर के महाभारत हुआ था। मेरे बात समझना। ठीक उसी तरीके से ये आप सीधी पढ़ाई में भी एप्लीकेबल कर सकते हो। पढ़ाई करने का कभी मन नहीं करेगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका साला इतना इंटरेस्ट आएगा दिन के अंदर में कि तुमको ऐसा लगेगा साला दिन भर यही चलता रहे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसा रहेगा तुमको लगता है अरे खत्म करना भाई, बहुत बोर सालो मेरे को तो बोल दिया उधर बोलने की हिम्मत तक मत करना। तुमको अभी पता नहीं है बोलने की हिम्मत तक के मत कर देना, राइट? सो कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा तुमको लगे अरे और दिन भर चलता रहे क्या क्या मस्त चल रहा है कुछ तुम देर आर सर्टन बिटल कभी तुम्हारी पढ़ने की इच्छा होनी गिवन अ चांस। किसको अच्छा लगता है रे? गिवन अ चांस किसको अच्छा लगता? मेरे को अच्छा लग रहा, मैं सुबह 5:30 बजे उठ रहा, नहीं अच्छा लग रहा। सी माहौल बनाना पड़ता है। ठीक पढ़ाई का भी वैसे ही करना पड़ेगा, कभी तुम्हारी इच्छा नहीं होगी उस चीज को करने की, पर तुम्हें एक माहौल बनाना पड़ेगा। कुछ अपने गोल्स लिखने पड़ेंगे, कुछ कोट्स लिखने पड़ेंगे जहां तुम पढ़ रहे हो, वो एक एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्लीन रखना पड़ेगा। तुम्हें अपने लाइफ के एम्स को याद रखना पड़ेगा और तब जाकर के तुम उस चीज को पढ़ना चालू करोगे। इसमें कुछ सब्जेक्ट रहेंगे जो तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा यार लाइफ में पढ़ने का, तुम बोलोगे यार क्या घटिया सब्जेक्ट क्या बनाया, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है जीवन में, ऐसा हो सकता है। बट ऐसे केसेस में भी तुम्हें उसमें इंटरेस्ट जरूर डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज जब बुखार होता है तो कई बार कड़वी दवाइयां खानी पड़ती है। जब लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं, गाय दूध नहीं देगी, तुम्हें माहौल बनाना पड़ेगा कि वो दूध दे। समझ आ रही है क्या बात मेरे भाई? ठीक इसी तरीके से आपको भी वर्क करना पड़ेगा, चाहे ये क्लाइंट का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, या कोई और मामला हो, राइट? पप्पा से किसी चीज का, हाँ सुनो, पप्पा से कभी किसी चीज की परमिशन निकालनी होती है तुम में लड़कियों को, तो ठीक है लड़कियां क्या है पप्पा की परी होती है, देखो इनको हर चीज का परमिशन मिल जाता है। लड़के जो होते हैं ना ये पैदा नहीं डाउनलोड ही होते हैं, ये पैदा नहीं होते डाउनलोड ही होते हैं। इनको अगर पप्पा से किसी चीज की परमिशन निकालनी है इनको माहौल बनाना पड़ता है। अब बताओ लड़कों माहौल क्या है? सबसे पहले भाई के पास जाओ या दीदी के पास जाओ, उनके सामने थोड़ा सा रो, अपने आप को बेचारा मजबूर बताओ, फिर धीरे से मम्मी के पास जाओ किचन में, मम्मी को थोड़ा सा मम्मी गोवा जाना सब जा रहे हैं साला, मेरे को ही जाने नहीं मिलता है हर बार, मैं सही हूँ मम्मी इस बार भी। तुमने क्या किया? माहौल बनाया। समझ में आई बात? तो समझ में आया इस चीज का पैसा कैसे बनाया जाएगा? इसका पैसा ऐसा बनाते, बट बेटा ऐसा सब करना अच्छी बात नहीं है। देखो एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तुमने ये सब नहीं करना चाहिए, मेरे बात समझना। चलो तो लॉ में एक गलती क्या है बताओ? उन्होंने लिखना ही भूल गया ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, उन्होंने लिखना ही भूल गया ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ कैसे होगा, राइट? सो टैक्स प्लानिंग क्या कहेगा? टैक्स प्लानिंग एडजस्ट द इनकम फर्स्ट हैविंग हायर टैक्स रेट, पहले वो एडजस्ट कर लो जिसका टैक्स रेट हायर है। Adjust the income first having higher tax rate. समझ में आया? अब आपको नहीं लगता यहां पे लिखना चाहिए आपने एग्जाम्पल नंबर 6.4 जहां पे तुम ये हैंडल कर रहे हो सिचुएशन। 6.4 में जाओ, 6.4 में जाओ,
इधर देखो, अब इधर देखो, प्रॉब्लम 6.4 लिखो, स्पेशल एडजस्टमेंट। बराबर। अब मेरी बात समझो, प्रॉब्लम देख के ना ब्रो देखो वैसे ही समझ आ जाएगा कि वेदर असेसी हैज एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और नॉट। समझना मेरा बात को, प्रॉब्लम देख के तेरे को वैसे ही समझ में आ जाएगा कि असेसी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब करी या नहीं करी। अब अगर तुम यहां पे देखोगे तो तुमको क्लियर कट समझ में आ रहा है ही हैज नॉट एडजस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हाथ रोक लेना, कुछ भी मत करना, सिर्फ सुनते रहना। अब तुमने सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी नॉर्मल इनकम को लिखना चाहिए। नॉर्मल इनकम कितनी आ रही है, यहां आया 1,80,000, ये आया 1,80,000। अब इसमें तुम क्या एडजस्ट करना चाहोगे, पहले आउट ऑफ ऑल थ्री एलटीसीजी पहले एडजस्ट करना चाहोगे, कहीं लिखा है पहले क्या एडजस्ट करना है, नहीं लिखा है तो यू हैव ऑल द लिबर्टी। जब तुमने कुछ कहा ही नहीं हम आगे बढ़ गए, जब तुमने रोका ही नहीं हम आगे बढ़ गए, सिंपल एज दैट। अभी भी 250 हुआ है, अभी भी 250 हुआ है, यानी मेरे पास एक और एडजस्ट करने का स्कोप है। क्या एडजस्ट करूं, लॉटरी है और शॉर्ट टर्म है, लॉटरी एडजस्ट हो सकती पर शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो सकता है। कितना 250 में से 180 गया और 40 भी गया, कितना एडजस्ट होगा, बराबर। यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट हो गया। अब मेरा टोटल आ गया 2,50,000, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन माइनस कर दो 2,50,000 और मेरा टैक्स बाय डिफॉल्ट में क्या आ गया, निल, बराबर है। अब जो इनकम बच गई मुझे बताओ क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बैलेंस बच गया, 40,000 में से मैक्स कितना एडजस्ट कर पाए, 30,000। अब बचता कितना है, 10,000, 10,000 पे कितना परसेंट लगाओ, इज इट 1,500। लॉटरी वैसे भी एडजस्ट नहीं हो सकती थी, लॉ में ही लिखा है लॉटरी एडजस्ट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट जानती है तुम ऐसे नालायक धंधे करने चाहोगे। सो 1,40,000 इंटू 30% कितना आया बेटा, 42,000। मेरा टोटल टैक्स कितना आया, वेट, 43,500। यस और नो, एचईसी भी आएगा, हाँ या ना, ये तो टोटल टैक्स हुआ, एचईसी आएगा या नहीं आएगा, रुक रुक रुक, रिबेट मिलेगा क्या, रिबेट मिलेगा क्या, ओय शपथ, काय प्रॉब्लम काय हो, सुन 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 मेरे सवाल को वापस, सुन, डरने का नहीं है, सुन मेरे सवाल को वापस, रिबेट मिलेगा क्या, रिबेट मिलेगा क्या, रिबेट मिलेगा क्या, जिसको नहीं समझा चलो मेरे साथ, प्लीज अपनी किताबों को पलटाओ, अपने प्यारे लैंग्वेज में लिखी हुई किताबों को, चलो रिबेट पढ़ो। अब तुमको समझ में आएगा मैं हर चीज पहले ही शब्द में क्यों नहीं समझाता, अब तुमको समझ में आएगा मैं हर चीज पहले ही शब्द में क्यों नहीं समझाता, और अब तुमको समझ में आएगा, मां कसम फुल रिस्पेक्ट, पढ़ो अब तीनों शब्द, असेसी कौन चाहिए, कौन चाहिए, टोटल इनकम आया क्या, आया क्या। अब एक मेरे को बात बताओ, कल के दिन तुमको ये शब्द समझा देता समझ में आता क्या, एक सेकंड, सिर्फ पेशेंस रखो, तुमको जो सवाल नहीं भी आया वो मेरे पास है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा, मेरा बात समझना। और डीटी में पूरे एंड तक ऐसा ही होगा, किसी जगह पे अगर मैं कह दूं कि बेटा इसको यहां पे छोड़ दे तो उसको छोड़ देना, मैं सही समय पे तुमको वापस खींच के लेके आऊंगा कि देख तूने यहां पे क्या लिखा है, समझ आ रही है बात। अब मुझे बताओ, कल तक के तुम स्पेशल रेट को जानते ही नहीं थे, मैं तुमको ये लिखा के पढ़ा भी देता, तुमको कुछ समझ में आता क्या लाइफ में, समझ आया मेरा बात, नॉर्मल प्लस स्पेशल।
अब यहां लिखो एग्जाम्पल 6.4, जब सेल्फ स्टडी करोगे सब एक साथ जुड़ेगा, तुम्हारा पूरा बुक एक साथ जुड़ेगा, तुम्हारा पूरा बुक एक साथ जुड़ जाएगा। अब मेरा बच्चा मेरे को एक बात बता, इस प्रॉब्लम पे वापस आ, क्या मेरी टोटल 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 इनकम 5 लाख से कम है? रिबेट बच्चों, मुझे क्यों लग रहा है क्लाइंट को एक और फोन जाएगा? इस बार हम उसके साली का भी रिटर्न भरवाएंगे। बदले ना, हमको कुछ नहीं चाहिए सर, सिर्फ आपका साथ। एक कॉन्सेप्ट में 3 क्लाइंट बन के बाहर आता है बेटा। चलो, इज इट 31,000 ब्रो? अब भी कुछ बाकी है तेल मेरे बीच में? हाँ, बवाल चीज है, सारा सिस्टम हिल जाता है। मस्त चीज है कि नहीं होता? चलो मेरे साथ एक बार प्लीज पूरे इस प्रॉब्लम को वापस से देखेंगे सब कुछ करते हुए। चलो इधर आओ, ठीक है, इधर आना। बवाल चीज है सारा सिस्टम हिल जाता है। सुनो, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को देखा, जब हमने इस प्रॉब्लम को देखा, ईमानदारी से वापस देखो, मतलब दिल से ही नहीं निकल पाएगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। और जाना, कोई तुम्हारा दोस्त होगा जिसने यू नो अपने साथ नहीं किया, उसके हाथ में प्रॉब्लम थमा देना और बस ऐसा चुपचाप बैठना, बोलना यार ये सर ने पढ़ाया नहीं ढंग से, पता बोला क्या ये? ईमानदारी से मजे लेने के काम। चुपचाप ऐसा देख रहेगा, उसको बोलने लेकर ये प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, पता नहीं मैं एबसेंट था, करके देख तू तेरे हिसाब से। चलो, जब तुम प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे तक देखोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा दैट असेसी हैज नॉट अब्सॉर्ब्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर असेसी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अब्सॉर्ब नहीं किया है, तो लॉ ये कहता है दैट इट शैल फर्स्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लेकिन क्या एडजस्ट हो पाएगा? अदर देन कैजुअल इनकम। समझ आ रहा है बात? ये एडजस्ट हो पाएगा, किसके लिए हो पाएगा? रेसिडेंट। किसके लिए हो पाएगा? इंडिविजुअल या HUF के लिए। समझ आ रही है बात? तो आपको क्या करना होगा, यहां पे नॉर्मल और स्पेशल दो लोग हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे केसेस में स्पेशल इनकम आर जनरली टैक्सेबल, जनरली टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। हाउएवर, इफ ही कैनॉट एग्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इट शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब जनरली वर्ड क्लियर हो गया क्या मालिक सब? ठीक है, अब यहां पे तुम आए, तुमने देखा तुम्हारा नॉर्मल इनकम 180 है। 180 कैसे हुआ? डिविडेंड 1 लाख रुपीज, सैलरी एंड PGBP 40+40, 1,80,000। तुम देख रहे हो तुम्हारे पास स्पेशल इनकम 3 कैटेगरी की है, 112, 111 है लॉटरी। सोच के देखना, लॉटरी तो एडजस्ट ही नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो। अब दो चीज में से क्या एडजस्ट पहले करोगे? हाँ, पहले लॉ में जाओ, लॉ ने कुछ कहा है दोनों में से क्या एडजस्ट करना है? मतलब हमारे पास छूट है क्लाइंट का, जिससे ओवरऑल टैक्स कम हो रहा, हम वो काम करेंगे। मैं गया 112 के अंदर में, 112 के अंदर में मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, बिकॉज इसका टैक्स रेट हायर था। पर मैंने देखा मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो दूसरा भी एडजस्ट कर दो। मैंने दूसरा भी एडजस्ट कर दिया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओवरऑल सब आ गया निल, बराबर है। अब जो भी बचा, इसके ऊपर का जो भी बचा, अब यह स्पेशल रेट पे जाएगा। लॉटरी तो बाय डिफॉल्ट में 30, वो होता है या नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मान लो यहां पे सिर्फ PGBP इनकम होता और लॉटरी होता, तो PGBP नहीं होता, सिर्फ कैप लॉटरी पे टैक्स लगता। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस सर, मान लो राइट, यहां पे हमने 15% लिया, लॉटरी पे 30% लिया एज इट इज। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना बच गया उस पे 15% लिया हमने,
नॉर्मल प्लस स्पेशल को मिलाया, इसके बाद रिबेट मिलेगा क्या? हम फिर प्रोविजन पढ़ने गए, हमने देखा टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल, बराबर है। अगर ये 5 लाख के नीचे है तो आपको रिबेट मिलेगा, तो आप चले गए रिबेट दे दिया, रिबेट के बाद में एचईसी ऐड कर दिया, टोटल टैक्स निकल गया। समझ में आया क्या? सेजल एक लड़की है जिसने क्रैक कर दिया था, एक लड़की है सेजल जिसने क्रैक कर दिया था। ऑनलाइन थी, समझ आ रही है बात तुमको? आया कि नहीं मजा? नीचे माई नोट लिखो। अच्छा ये लिखा ही नहीं है? ओह माय गॉड, हो गया बेटा? माई नोट लिखो। पक्का जी? देखो माई नोट, हमने पहले लॉन्ग टर्म एडजस्ट किया। माई नोट अपने लिए लिख रहे हो, अपने आप को मैसेज कर रहे हो, वैसे लिखना है एग्जाम में लिखने का। हमने पहले लॉन्ग टर्म को एडजस्ट किया क्योंकि उसका टैक्स रेट हाई था। हमने पहले लॉन्ग टर्म को एडजस्ट किया क्योंकि उसका टैक्स रेट हाई था। फिर शॉर्ट टर्म को किया, फिर शॉर्ट टर्म को एडजस्ट किया। हां पर लॉटरी एडजस्ट नहीं हो सकती। हां पर लॉटरी एडजस्ट नहीं हो सकती।
अच्छा, अब यहां से आपके कई और सवाल आने चाहिए। पहला सवाल ध्यान से सुनिए, पहला सवाल सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 7.1। पहले सिर्फ सवाल सुनते जाना, एक एक का जवाब देते जाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं आपके अंदर अभी इस पे कई सवाल है। सवाल नंबर पहला, सर सपोज पीजीबीपी इनकम 1 लाख रुपीज है, बराबर है, और यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है। एक सवाल ये आना चाहिए आपके मन में, बराबर है, और वो है 3 लाख रुपीज। अब क्या करेंगे, पहले नॉर्मल कितना है पीजीबीपी 1 लाख, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना एडजस्ट करोगे, 1.5 लाख। कितना एडजस्ट करोगे, ये कितना हो जाएगा 2.5 लाख। अब कितना बचेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, एक मिनट रुको, 3 लाख थे, 3 लाख में से पहले 1 लाख तो गायब कर दो, आपने यहां कितने यूज कर दिए 150, वो भी गायब कर दो, बचे कितने 50,000 × 5,000, समझ में आया क्या, 5,000, ये हो गया 5,000, बराबर है। अब नहीं नहीं सुनो, टोटल 5,000, बराबर है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना होगा, इसका पूरा क्लैरिफिकेशन आपको कहां मिलेगा, जब हम कैपिटल गेन में जाएंगे तब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A में से रिबेट मिलता नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा काय के लिए, ऐसा किस लिए हो रहा है, हमें 112A में जाना होगा। इसके लिए पूरी 15 मिनट की हिस्ट्री समझनी होगी, मोदी जी, अरुण जेटली जी, निर्मला सीतारमन जी, और फिर आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। बट ऐसे केस में टैक्स, टोटल टैक्स आएगा आपका 5,000 प्लस HEC आएगा एट द रेट ऑफ 4%, 200 आपका टोटल बनेगा 5,200। समझ में आई बात, यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें समझ में आएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। रिबेट पहले यहां तो लिखो, समझ में आया 112A के साथ कैसे एडजस्ट होगा। कोई बच्चा मुझे ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, सर सपोज ये 3 लाख के जगह 2 लाख रहे तो टैक्स जीरो हो जाएगा। 112A से पहले 1 लाख बाजू करो, जो 1 लाख बचा वो आप ऐसी बेसिक में एडजस्ट कर दोगे, ओवरऑल टैक्स विल बिकेम जीरो। एनी फैक्टर चेंज द कैलकुलेशन विल चेंज अकॉर्डिंगली। आपने कुछ भी फैक्टर चेंज किया इधर से, यही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख ही होता तो इस प्रॉब्लम में तो भी टैक्स तो नील ही होता, एडजस्टमेंट नहीं होता, टैक्स तो जीरो ही होता। पहले 1 लाख आपको 112A के बाजू कर देने के, उसके बाद जो करना है उसके साथ करना है। पहले 1 लाख बाजू कर लो, स्पेशल रिजर्व,
एग्जाम्पल नंबर 7.2। मैं समझ गया सवाल क्या है, अब भी दिखाता हूं तेरे पूरा सवाल फिगर के साथ। इस प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा, स्पेशल एडजस्टमेंट प्लस 112A नो रिबेट कॉन्सेप्ट। सोचो कितने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम चल रहे हैं, समझ आ रहा है क्या जीवन में कुछ। अब कोई नालायक, वो जो पीछे बैठा है मेरा भाई, ये नालायक मुझसे जरूर पूछेगा, सर सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही 3 लाख का आ गया और कोई इनकम नहीं है, एक ये सवाल है। सपोज सर और कोई इनकम ही नहीं है, ये इनकम है, अब बोलो, लगाओ अप्लाई करो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करो। इसमें से 2.5 लाख तक के टैक्स क्या आने वाला है, निल, और जो बैलेंस बचा 50,000, जो बैलेंस बचा 50,000, इस पे कितना पड़ेगा बेटा, 20%। अरे एवरीबॉडी, इज इट 10,000? एक मिनट, क्या रिबेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 112 में मिल जाएगा, 112A में नहीं मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है, अज्यूम 112 ओनली, यस, तो आपका जो टैक्स आएगा ऐसे केस में निल आएगा। इन शॉर्ट, इफ आई ओनली हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट विल ऑल्सो बी एडजस्टेड कंप्लीटली। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्सिमम कितना सेट ऑफ करेंगे, पूरा का पूरा भी सेट ऑफ कर दोगे। क्या सीखा इस प्रॉब्लम से हमने, आप पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी एडजस्ट कर सकते हो, आप पूरा का पूरा भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विल योर आंसर चेंज अगर यहां पे लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए होगा तो? विल योर आंसर चेंज? नो, हाँ, बट योर टैक्स में चेंज, आंसर वोंट चेंज। हंड्रेड एंड इलेवन है बोल रहा आप? हाँ, 112 में कम होता है। पहले बताइए आप किस बारे में बात कर रहे हैं, 111 है 112 है? अगर 112 होगा, 3 लाख में से पहले 1 लाख तो बाजू कर दो, बचे कितने, 2 लाख, टैक्स जीरो, 100% एडजस्ट। पहले 1 लाख उसमें से बाजू करने के बाद जो करना है करना, डन। आता भाई, एग्जाम्पल बोल फिगर के साथ, एग्जाम्पल नंबर 7.3 बता। पीजीबीपी लिया मैंने 1 लाख, ये प्रॉब्लम हो गया इन टोटल। पूरा क्लास करो सॉल्व, आपको नहीं लगता यही तो किया हमने? आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि पहले इधर से ही पूरा एडजस्ट कर दो और बैलेंस जो होगा उसको टैक्स करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका सवाल मैं समझा, एक्चुअली उन्होंने बोला गलत, सवाल ऐसा होना चाहिए था, सर अभी देखो मेरे पास ये दो इनकम है, ठीक है, एक काम करता हूं ना मैं,
पहले इसमें से ही पूरा 2 लाख इसमें से एक हटाया, बचा 2, बराबर है। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं समझो, ये 2 पूरा का पूरा बेसिक में एडजस्ट, प्लस 50,000 पीजीबीपी से एडजस्ट, और जो बचा हुआ 50,000 है उस पर 5%, समझ में आया। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, उनका लॉजिक गलत नहीं है, उनका क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत था। सुनो वो क्या बोल रहे हैं, सर एक काम करो, आप सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट कर लो, कितना एडजस्ट कर पाओगे, मैक्स टू, क्यों, क्योंकि 112A की बात चल रही है, एवरीबॉडी किसकी बात चल रही है, 112A में 3 लाख के लिए कुछ करना है या इसमें से पहले 1 लाख बाजू कर देना है, क्योंकि 1 लाख तक के इस पे कोई टैक्स लगता है, बाजू कर दो इसको, यानी 2 लाख पहले एडजस्ट कर दो, अभी भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब हुआ, तो एक काम करो सर पीजीबीपी के 50,000 एडजस्ट कर दो, पीजीबीपी के 50,000 एडजस्ट कर दो, ये हो गया खत्म। अब सिंस टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं जा रही, टैक्स रेट क्या होगा, सिंस टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं जा रही टैक्स रेट क्या होगा, तो सर देखो 50,000 इंटू 5% कर दो, हमारा और टैक्स कम हो जाएगा, ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसा अलाउ नहीं है, पहले आपको आपकी नॉर्मल ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। यस भाई, तेरा एक सवाल है जो तू पूछ नहीं रहा है, बोल, तेरा एक सवाल है जो तू पूछ नहीं रहा है, पक्का देख ईमानदारी से पूछ रहा हूं, 2000%, तेरे अंदर एक सवाल है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, तू पूछ नहीं रहा है, बराबर है। ओ ब्रो, हाँ जी, आ रहा हूं, 7.6.4 में अगर सुपर सीनियर सिटीजन रहता तो क्या होता, अगर सुपर सीनियर सिटीजन रहता तो जहां सुपर सीनियर या सीनियर व्हाटसोएवर, यहां 250 की जगह 3 लाख या 5 लाख तक के एडजस्टमेंट करना चाहते हैं हम, यहां 250 की जगह हम 3 लाख या 5 लाख अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाहते हैं, पर उस केस में भी लॉटरी तो टैक्सेबल ही होता, लॉटरी कांट बी एडजस्टेड, लॉटरी तो फिर भी क्या होता बच्चे, टैक्सेबल, क्लियर है, सॉर्टेड है। हाँ बेटा, मेरे भाई का एक एग्जांपल लू, अब तुम सब सीए हो ईमानदारी से, ठीक है, तुम सब सीएस हो, तुम सब सीएमए हो, सब हो तुम, भाई का सवाल सुनो, एक क्लाइंट आया है तुम्हारे पास, एक क्लाइंट आया तुम्हारे पास, बोल भाई पीजीबीपी 2 पकड़ू, पीजीबीपी 2 लैक्स, हाँ, सिर्फ शॉर्ट टर्म या 111A, 111A 2 लैक्स, ठीक, एग्रीकल्चर अभी बीच में मतला, दूसरे बोल, क्योंकि उसका तेरे को बहुत कुछ कंसेप्ट सीखना बाकी है अभी, बस इतना ही है, करो, एक मिनट, इसमें और कुछ जोड़ दो, एक मिनट, क्लाइंट का पार्टनर भी आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, कितना जोड़ू भाई, 3 लैक्स, और कोई पार्टनर है, और कुछ जुड़वाना है, पक्का, करो सॉल्व, अब यार एक कर दिया उसने, एक तू कर ले और एक्स्ट्रा, क्या ही फर्क पड़ जाना है उससे, मेरे को एक बात बताना, वैसे भी तू पहले शॉर्ट टर्म में एडजस्ट करना चाहेगा, हाँ, अरे तो रिबेट में फर्क पड़ेगा, बट तू बाकी तो टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा ना, शॉर्ट टर्म के टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा, तू 3 लाख लाएगा तो, करके देख सॉल्व, मैं समझाता हूं तेरे को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पीजीबीपी है, बराबर है, सबसे पहले पीजीबीपी को 2 लाख पकड़ लू, मेरे पास कितना शॉर्ट हो रहा है अभी भी, कॉमन सेंस लगाओ, क्या पहले एडजस्ट करूंगा, एसटीसीजी, क्यों एसटीसीजी एडजस्ट करूंगा, टैक्स रेट 15% से आ रहा है, तो ये एसटीसीजी आ गया,
यहां पे 50,000 एडजस्ट हो गया, टोटल हुआ 2,50,000, जिस पे मेरा टैक्स आ गया निल। एवरीबॉडी ला लला, आपका बैलेंस क्या क्या बचा? एसटीसीजी कितना बैलेंस बचा? 1,50,000। कितने परसेंट से कह दो ना, 22,500 ब्रो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, भले ही 3,00,000 लिखा है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं 2,00,000 पे टैक्स लूंगा। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, पक्की बात। 1,00,000 तक उस पर टैक्स लगता, उसको सीधा बाजू कर देने का 1,00,000 तक का। सर अमाउंट ही 1,00,000 से कम हो, पूरा बाजू कर देने का। अमाउंट ही 0.1,00,000 तक हो, पूरा बाजू कर देने का। 1,00,000 तक उसके ऊपर सोचने का नहीं, नजर नहीं डालने का उसके ऊपर, वो स्पेशल रिजर्व है। इज इट 20,000? टोटल कितना हुआ? 42,500। बराबर है, हाँ या ना? 42,500, ये कितना हुआ? 42,500। अब एक मिनट रुको, रिबेट मिलेगा? रिबेट मिलेगा? पूछो क्यों? इससे रिबेट नहीं दोगे, इससे तो दो आगे का धन में। मेरी एक बात समझ, अरे एक आ रहा हूं, पहली बात समझना। अगर ये टोटल इनकम 5,00,000 से कम होता, सपोज कर लो ये टोटल अगर इनकम 5,00,000 से कम होता, क्या हम रिबेट देते? यस, 112 से नहीं देते, दूसरे से तो देते। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या मेरा टोटल इनकम वैसे ही 5,00,000 से ज्यादा है? 3 + 2 + 2 = 7, रिबेट मिलने वाला? टोटल टैक्स 42,500 प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4% आगे के धन में। तो अगर मल्टीपल इनकम रहेगा बेटा, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, मल्टीपल इनकम रहेगा जिसमें 112 वे भी है और अदर भी है, 112 वे पे मत दो, बाकी पे तो रिबेट आएगा ना ब्रो, है ना? हमारे दुश्मनों की घर में एंट्री नहीं है, जिससे दोस्ती है उनसे तो मोहब्बत है। कितना हो रहा है बेटा? इज इट 44,200? लो बेटा, सॉर्टेड है। हाँ जी, अगर इस केस में मान लो, एक सवाल सुनो, सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5,000, एवरीबॉडी प्लीज एक सवाल सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है। सपोज इसी पर्टिकुलर केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता 5,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वे होता 5,000, इन टोटल 10,000, तो मैक्सिमम रिबेट कितना मिलता? वापस से सवाल सुनिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता 10,000, 112 वे, सॉरी 5,000, 112 वे वाला होता 5,000, टोटल टैक्स कितना हो गया? अब मैक्सिमम रिबेट कितना देते? 112 वाले इनकम पे रिबेट मिलता नहीं, बचे हुए पे आप जितनी इनकम होगी मैक्सिमम अप टू 12,500 पूरा दे दोगे। टोटल इनकम में काउंट करोगे, टैक्स में नहीं लोगे? क्या चीज? अरे टोटल इनकम, टोटल इनकम, वो सिर्फ टैक्स की बात कर रहे थे बेटा, टैक्स इधर का 5,000, टैक्स इधर, टोटल इनकम की बात नहीं की उन्होंने। अंडरस्टैंड बेटा, टोटल इनकम अगर आपकी 5,00,000 से ऊपर है रिबेट मिल सकता नहीं। टोटल इनकम कंसिडर करते वक्त आपको पूरी इनकम कंसिडर करनी है।
यस, इज दैट डन? क्या चीज? टोटल इनकम 6 लाख है, रिबेट सवाल खत्म हो गया। टोटल इनकम में तो आप पूरा काउंट करोगे ना, टैक्स लेते वक्त 1 लाख हटा देते हो। टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई है, रिबेट का सवाल खत्म हो गया। उस टोटल इनकम लेते वक्त 1 लाख बाजू नहीं करना, टैक्स कंप्यूट करते वक्त 1 लाख बाजू करना है। इज दैट डन? स्टॉप, बुक बंद, स्टॉप, बुक बंद। क्या आपको पता है आज हम 5 मिनट ऊपर भी चले गए? पता चला क्या? ध्यान से सुनो, काम डाउन। आज क्या पढ़ा? आंखें बंद करो। आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हम आए, आज तो हमने 2 ही नोट पढ़ी। आज सबसे पहले हम आए, सबसे पहले आकर के आंखें बंद करिए, प्लीज 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 आंखें बंद करिए, प्लीज 2 मिनट मेडिटेट करिए। सबसे पहले हम आए, रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद हम लोगों ने एक नोट पढ़ी। नोट थी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कौन कौन से होते हैं, हमने एक लिस्ट लिखी है। लॉन्ग टर्म 112 20%, लॉन्ग टर्म 112A बियॉन्ड 1 लाख 10%, शॉर्ट टर्म 111A 15%, कैजुअल इनकम 30%, MMR पे कोई डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ लिख के रख दिया 42.744%। नीचे लिखा हैशटैग करके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A में नहीं है तो हम उसे नॉर्मल में कंसिडर कर देंगे। जो इनकम स्पेशल की लिस्ट में नहीं है वो नॉर्मल की लिस्ट में आती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने चालू किया हमने अलग 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 अलग। इसके बाद एक प्रॉब्लम ऐसा आया जहां से हमको हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 मिली, 6.4। अगर SSC बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वो इंडिविजुअल है, HUF है, रेसिडेंट है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसकी स्पेशल इनकम अदर देन लॉटरी, स्पेशल इनकम अदर देन लॉटरी या कैजुअल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। एक और पॉइंट समझिए, एक और पॉइंट समझिए, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। रिबेट अंडर सेक्शन 112A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इस पे नहीं मिलेगा, बाकी इनकमों पे रिबेट जरूर मिलेगा। अंडरस्टैंड, जब आप अपनी टोटल इनकम काउंट करते रहोगे तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला लेना पड़ेगा। सपोज अगर 6 लाख रुपए मेरी इनकम है जिसमें से 1 लाख रुपीज मेरा 112A है, तो मेरी टोटल इनकम 6 लाख ही मानी जाएगी। ऐसे केस में रिबेट नहीं मिल सकता मेरे को, टैक्स कैलकुलेट करते वक्त उसमें से 1 लाख बाजू करना पड़ता है। टोटल इनकम लेते वक्त मुझे सब कुछ लेना होता है, टैक्स कंप्यूट करते वक्त 1 लाख बाजू करना होता है। समझ में आया क्या? घर पे जाइएगा, घर पे जा करके एक बार सब कुछ आराम से पढ़िएगा। रब योर हैंड्स प्लीज, पुट इट ऑन योर आईज। कितना छोटा है टैक्स समझ रहे हो तुम? 2 कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पूरा 3 घंटा गया ब्रो, और वो भी नहीं, अभी तो उसमें और खोदना बाकी है। यस, रुकेंगे आज के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो, तुम मेरे बात तो सुनो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, हमने को मेहनत करनी है। और तुम मेरे एक बात बताओ, कल सब लेक्चर ले रहे ना? सब नहीं ले रहे, अपन नहीं ले रहे डबल। अच्छा, कल का एक संडे चाहिए, कल का एक संडे छुट्टी, बाय। हाँ हाँ, तो आना। सो इज दैट डन? सो मिलेंगे मंडे के दिन। बाय बच्चों।